अबे चुप बैठो सब लोग। भैया जी, ओ भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, क्लच गॉड भैया जी आ गए क्या? माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो, लाइव दिख रहा है? हो गया लाइव? ये लाइव तो हो गया हाँ लाइव चालू है। ना? ये क्या है, चैट अनअवेलेबल क्यों? क्या लाइव चैट क्यों नहीं दिख रही है? क्या स्ट्रीम वर्थी है? देख सकते हैं, देख देखो तो क्या प्रॉब्लम है, काय काय है, तो क्या प्रॉब्लम है? आए टॉपिक तो सब को लाइव चैट दादा क्यों नहीं दिख रहा है भाई? सेटिंग में टॉपिक तो सब को लाइव चैट दादा क्यों नहीं दिख रहा है भाई? बेस्ट उसमें दिख रहा है ना? ठीक है चलो ठीक है। ठीक है परफेक्ट है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, चलो ठीक है भाई। पहले तो बोल रहा हूँ, किसी को चैट में गाली मत देना, ना किसी और को, ना किसी, ना मुझे, ठीक है? आज सारी चीजें क्लियर होगी, सबके साथ होगी, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं अपन, ठीक है? तो सबसे पहली बात, हमारा जो टीम था एनटीडी, ठीक है, हम लोग पीएमसीओ फॉल्स प्लेट में खेलने गए थे, परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, स्क्रीम्स में अच्छा कर रहे थे, और एक कॉन्फिडेंस अच्छा था हमारे कि भाई हाँ ये जीत सकते हैं टूर्नामेंट। हम वो टाइम हम टूर्नामेंट जीते भी, जीतने की खुशी जितनी थी ना, उससे ज्यादा दर्द था कि भाई कुछ लोग आके गालियां दे रहे थे कि तुम्हारे वजह से सोल सेकेंड आई। पता नहीं क्यों, रीजन क्या था मुझे पता नहीं है, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चीज हमने ओवरकम की। मैंने कभी उस चीज के लिए ज्यादा तुल भी नहीं दी। बाद में मिलान गए हम लोग, सॉरी पहले मिलान गए थे, बाद में पीएमआईटी आया, ये आया वो आया, उसके बाद क्लच गॉड का सीन आता है, गॉड का सीन आता है, वो दोनों हमारी टीम ज्वाइन करते हैं, ठीक है? सारी चीजें पाऊंगा मैं, सारी चीजों के टीम चोर बोले, बाकी के जो जो चीजें बोले ना, सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन दूंगा, एकदम ढंग से दूंगा, और किसने किसने क्या क्या किया सब बताऊंगा बिना नाम लिए, ठीक है? क्लच गॉड का सीन हुआ, क्लच गॉड मेरे पीछे खड़ा है। क्लच गॉड किधर है? ओए क्लच गॉड को इधर दो मिनट। तुझे मैंने किधर गया ये? तुझे मैंने कभी बोला था कि भी तुझे मैसेज कर या क्या कॉल किया मैंने तुझे मेरी टीम में आने के लिए? कभी फोर्स किया तुझे आने के लिए कि भाई किसी ने, मतलब मेरी टीम के किसी बंदे ने बोला कि भाई आ ही जा तू करके? ये ई स्पोर्ट्स है पहली बात तो, ठीक है, ये मुझे इसे बताने की भी जरूरत नहीं या पूछने की जरूरत भी नहीं है, इसका खुद का मन था, बहुत सारे इश्यूज थे उसको, उसका गेम स्टाइल अलग था, उसको उसका गेम स्टाइल के हिसाब से खेलना था, तो वो उसको ज्वाइन करना था टीम। और सबसे बड़ा इशू क्या था मालूम है क्या? मेरा गेम प्ले खुद का,
मैं खुद एग्री करता हूँ कि मेरा गेम प्ले नहीं है वो लेवल का, वर्ल्ड लेवल का गेम प्ले मेरा नहीं है, वो चीज मैंने एग्री की। और ये जो बन जाता है ना गेमिंग कम्युनिटी, गेमिंग कम्युनिटी की गेमिंग का जी भी मालूम नहीं था ना, 2008 में मैंने एज ऑफ कॉन्करर का इंडियन टाइटल जीता था, ठीक है, पहली बात। बाद में मुझे पहले से ही गेमिंग पसंद थी, गेम खेलना चालू किया मैंने, ठीक है, मुझे जितने मेरे स्किल्स और जितना मतलब मैं खेल सकता हूँ या फिर जितना मेरा नॉलेज था, जितना मैंने स्टडी किया था, उस हिसाब से मैं गेम खेलता था। बंदे आके बहुत सारी चीज़ें बोलते, ठीक है, हमको भी दिल पे लगती है वो बातें, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मतलब घातक बुड्ढा, घातक ये, घातक वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे में, मुझे पता है मेरा गेम प्ले एवरेज है और मैं वो लेवल का नहीं खेल सकता, इसलिए मेरे मुझे वो चीज़ रियलाइज हुई कि भाई मैं नहीं खेल सकता, तो मैं बैक ऑफ कर लिया। मुझे आके किसी ने बोला नहीं कि भाई घातक तुम हट जाओ, कोई एक प्लेयर लेके आओ, जब हमारी टीम नाम कमा रही है तब तुम हमें ज्ञान देने आ रहे हो कि भाई हाँ अभी ये करो वो करो, तुम बताओगे हमें अभी कि क्या करना है। हाँ मैंने खुद डिसीजन लिया था कि भाई मैं हटूंगा, ठीक है, और ये जो 2 महीने से ये यूट्यूब का धंधा खोल के बैठे बाकी लोग, मेरे को यूट्यूब के अर्निंग के कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, मैं डेली स्ट्रीम कर सकता था, 2 महीने से 2.5 महीने से बूट कैंप पे हूँ, बहुत अच्छा स्ट्रीम का सेटअप मुझे हमारे जो ओनर्स है ना उन लोगों ने दे के रखा है, मैं डेली स्ट्रीम कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे मेरी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा करना था, कोऑर्डिनेशन बिठाना था, नए बंदे आए थे टीम में मेरे, मेहनत कर रहा था मैं इन पे, ये भी मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक साथ खेल रहे थे हम लोग सारे, एक साथ खेल रहे थे, कंटिन्यू खेल रहे थे। तुम आके गालियां दो, तुम्हें पता है अंदर क्या चलता है, बाकी की बाहर चीजें क्या चलती है, आके तुमको गालियां देने में तुम बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है तुमको, है ना, अरे तुमको पता है कि अंदर क्या चलते रहता है हमारा, दिन रात करते भाई, एक भाई सपना देखा है भाई इंडिया के लिए ट्रॉफी लाएंगे, हाँ तुम हमारी मारो, तुमको टाइम मिलता है ना भाई, मस्त लो मजे लो, तुम लोग बोलना तो आता है तुमको, मैंने रियलाइज किया बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, जिनका गेम प्ले इंप्रूव नहीं हो रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, हट गया ना मैं, अभी मैं बोलता हूँ ये पीएमपीएल के बाद मैं फिफ्थ प्लेयर से भी हटूंगा और एक बंदा ऐसा लाऊंगा टीम में, आप बस देखते रहना, ठीक है, वो तब की बात है मेरे को, क्योंकि रियलाइज हुआ है भाई। और बंदे बोलते कि घातक हेल्प नहीं करता है, भाई कम्युनिटी में आज जितने भी टीम्स खेल रही है ना, ये जो 80 बंदे खेल रहे हैं, जो भी वो फिफ्थ प्लेयर पकड़ के जो भी 100 बंदे खेल रहे हैं ना, उनको जाके पूछो कितना हेल्प किया, किसको किसको हेल्प किया, मेरे को बताने की आदत नहीं है, मैं दूसरों को जैसा बताता नहीं किसको किसको हेल्प किया है, ठीक है, बंदों को स्पॉन्सरशिप दिलवाई, स्पॉन्सर्स को बंदे दिलवाए, ठीक है, मैंने दिलवाए बहुत सारे स्पॉन्सर्स को, बहुत सारे बंदे दिलवाए मैंने, बहुत सारे बंदों को जिनको जरूरत थी उनको टीम दिलवाई, ठीक है, बहुत सारे अंडरडॉग जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं उनका नाम मैंने ऊपर लाया, पर मैंने कभी बोला नहीं ये बंदे को मैंने हेल्प किया, वो बंदे को मैं हेल्प किया, भाई मैं करता हूँ, ठीक है, वो हेल्प करने के लिए भी टाइम की जरूरत होती है, वो टाइम पे मैं हेल्प करता हूँ, वो टाइम पे मैं गेम नहीं खेलता, गेम प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको अच्छा खेलना है ना उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, अगर मैंने बोला ना मैं हेल्प करूंगा तो मैं हेल्प भी करूंगा, वो टाइम पे मेरा फोकस नहीं लगता है गेम में, तो मैं वो टाइम पे हेल्प करता हूँ, मुझे भी पता चल गया है भाई कि मैं नहीं परफॉर्म कर सकता, मेरे नहीं है उतने स्किल्स, और मैं अभी स्किल्स कितना भी ट्राई करूँ मेरे स्किल्स इंप्रूव नहीं होने वाले, सिंपल चीज है, नहीं होने वाले मेरे स्किल्स इंप्रूव, पर मैं करता हूँ ना, तुम लोग आके गालियां दे देते हो भाई। अभी ये बाद में ये जो मॉर्टल और सांगवान का जो भी सीन था, वो जो मैंने वो जो वीडियो है ना उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, सारे बंदों को डिस्कॉर्ड पे बुला के सबके सामने ये बात बोलूंगा मैं, क्योंकि आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, घातक झूठ बोल रहा है, आपको नहीं लगना चाहिए, उनके सामने एक्सप्लेनेशन दूंगा, सांगवान आएगा, सब लोग आएंगे, सब लोग जो भी जो है सब लोग आएंगे, ठीक है, उनके सामने सब सारी चीजें होगी। अभी वो टीम चोर का किस्सा हुआ, उसमें गॉड का सीन भी आता है, गॉड गॉड को जब पीएमसीओ फॉल स्प्लिट हुआ था, गॉड को 10 से 15 टीम ने अप्रोच किया था, टॉप फ्रैगर था हाईस्ट डैमेज के साथ, ठीक है, गॉड इधर, वो टाइम पे मैंने तेरे को एक बार भी बोला कि मेरी टीम में आजा, इधर देख के कैमरा में देख के बोल, एक बार भी तेरे को मैसेज किया कि भाई मेरी टीम में आजा, क्योंकि मेरा और सूर्या का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे ऐसा किसी को हर्ट करके किसी बंदे को तोड़ना नहीं है, तुम तोड़ने की बात बोलते हो ना, मुझे नहीं तोड़ना है भाई, मैं नहीं तोड़ता किसी को, मैंने उसको एक भी मैसेज नहीं किया था, मैंने उसको 2 महीने पहले जब गॉड ने पीएमसीओ में परफॉर्म किया उससे 2 महीने पहले उसको इंस्टा पे मैसेज किया था, मेरे पास अभी भी वो इंस्टा का मैसेज पड़ा है, मैं तेरा मोबाइल खोल मेरा चैट, तेरा चैट है ना, 2 मिनट अभी तुमको दिखाता हूँ सब, पीएमसीओ ग्लोबल कौन से महीने में हुआ था पाजी, कौन से मंथ में हुआ था पीएमसीओ ग्लोबल, सॉरी पीएमसीओ अपना रीजनल फाइनल नवंबर में ना, अभी तुमको दिखाता हूँ मैं, अब बस देखते रहो तुम लोग, सारी चीजें क्लियर करूंगा भाई, बोलते ना टीम चोर, मैंने कब मैसेज किया था उसको और क्या मैसेज किया था वो भी देखना बस। ये मेरा ही चैट है, दिख रहा है क्या?
किधर गया? नहीं, वाईफाई को क्रेक कर, तब तक मैं थोड़ा सा चैट पढ़ता हूँ। ये चैट किधर? अरे हो रहा क्या? नहीं, ये चैट देखो आप। क्या ये देखो, ये चीजें मैंने उसको बोली थी। कब बोली थी? डेट 17 अक्टूबर, ऊपर 17 अक्टूबर, उसी टाइम पे उसका रिप्लाई आया था। नवंबर में हुआ था, अक्टूबर नवंबर, ठीक है? अभी बोलो, मैंने पहले ही किया था उसको मैसेज, और उसको मैंने बोला नहीं था कि भी मेरे टीम में आ जा, ये कर वो कर। उसके बाद उसका कुछ इश्यू हुआ, वो कौन से टीम के अप्रोच अप्रोच किया था? सिनर्जी ने किया था, कैरी, सारी टीम्स ने उसको, किसने? 8 बिट का, सब लोगों ने किया था, सब लोगों ने रिप्लाई, मतलब उसे अप्रोच किया था। बट वो बंदा अभी, उसको पता नहीं, वो बंदा खुद आके मुझे मैसेज करता है कि मुझे लाइनअप ज्वाइन करना है, ठीक है? तो अभी इसमें मैं कहाँ पे टीम चोर होता हूँ मुझे पता नहीं, और मेरे बाकी के जो जोनाथन और नियो जो बंदे हैं, ठीक है, वो भी, उनको भी चाहिए था, ठीक है, अच्छे प्लेयर चाहिए थे, उनको भी पता था कि भाई हाँ, मेरे मुझे खुद को पता था कि मेरे स्किल्स नहीं है, बस दिमाग से गेम तो चलती नहीं है भाई। दिमाग कितना भी लगा लो, ग्लोबल पे जाके मार तो खाना ही पड़ेगा, तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है ना। ये क्यों नहीं हिल रहा भाई? अभी आते हैं दूसरे इस पे, ठीक है, दूसरे टॉपिक पे। हाँ, व्यू कमाने तो कंट्रोवर्सी भाई, कंट्रोवर्सी व्यू कमाने की जरूरत नहीं भाई। मैं 2 महीने से मैंने 2 महीने से स्ट्रीम नहीं किया मैंने, ठीक है? व्यू कमाने की बात तो तुम करो ही मत। कर सकता था मैं, डेली कर सकता था, जरूरत नहीं थी मुझे स्ट्रीम करने की। और तुम लोगों को ये जो भाई इमेच्योर बंदे हैं ना, उनको बताने की जरूरत ही नहीं भाई। दो कल जो जो सीन हुआ ना, वो तो मैं बाद में क्लियर करूंगा, थोड़ी देर के बाद, जब मैं सबको डिस्कॉर्ड पे लूंगा। पर ये जो बोलते ना व्यू, भाई व्यू में बहुत कमा सकता था भाई, प्यार से रह के, लेकिन किसी को सपोर्ट करना पड़ता है ना। मैंने सोचा नहीं, वो जो एलएस का और आयरिस का कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, आयरिस का तो चलो मैं उनके बारे में कुछ बोला नहीं ज्यादा, पर एलएस का और जब कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था ना, तब मैंने सोचा नहीं कि भाई एलएस को अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो मुझे हेट मिलेगा, पर उनकी साइड सच्ची थी, इसलिए मैंने सपोर्ट किया था उनको, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई किसी का, मुझे आके कोई गाली दे दे कि भाई हाँ तू ऐसा है, तू दोगला है, तू ये वो, भाई अनसब्सक्राइब कर दो भाई, इंस्टा पे जाके अनफॉलो कर दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है सारी चीजों में, मुझे बस मेरे मैंने जो मतलब पहले से गेमिंग का बहुत शौक है भाई मुझे, सिंपली बोलता हूँ, और मैंने जो सपना देखा है कि भाई मेरे को ग्लोबल की ट्रॉफी चाहिए, और मेहनत करूंगा, जीतू ना जीतू मेहनत तो पूरी करूंगा भाई मैं, और मेरे बंदे भी करेंगे, मुझे बाकी की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हें जो ये जो आते हैं ना इमैच्योर पब्लिक आके जो बातें बोलती है कि भाई हाँ ये ऐसा है, ऐसा वैसा है, आप ऐसा करो वैसा करो, तो उनको आंसर देने की मुझे जरूरत नहीं है भाई। तुम लोगों ने तो आज तक कुछ उखाड़ा नहीं है, ठीक है, तो उखाड़ भी नहीं सकते। और रही बात, मैं इनके मैसेज भी नहीं पढ़ता, पर इनमें से कोई बंदा अगर इनके इन फ्यूचर, ये जो मुझे गाली दे रहे ना, इन फ्यूचर कोई बंदा अगर इम्प्रूवमेंट करके गेमिंग सीन में आता है, तो मैं उसका नाम ध्यान में नहीं रखूंगा। अगर उसको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना, मैं हेल्प करूंगा उसे, ठीक है? ये मेरा नेचर है, मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, मैं कभी देखता नहीं। बाकी जाओ भाई किसी दूसरे यूट्यूबर के पास, बड़े बड़े कौन हेल्प करता है, मैं भी देखता हूँ।
जब हैकर की बात है, अभी जो पीएमसीओ के जो मैचेस हुए भाई, 17 से 18 टीम को मैंने, कुल तेजल विलेजर्स स्पोर्ट वालों को भी बीच बीच में गाले देते हो ना तुम लोग, वो लोगों ने मिलके बैन किया हैकर्स को। आप लोग देखोगे ना एंड एंड में जाके हैकर्स की टीम बाहर हो गई थी, विथ प्रूफ है मेरे पास सारी चीजें, पर ये स्क्रीनशॉट भी दिखाना, ये दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, पता है सबको पता है, बहुत लोगों ने देखा भी है कि वो टीम के नाम हट गए लिस्ट से, सबको पता है। और जिन लोगों ने मेरे को मैसेज किए थे और मैंने उनको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दिया था ना, और वो जो चीजें की थी उन लोगों ने, वो बाद में आके वो जो चीज जिसका अप्रिशिएट करना था उन लोगों ने जैसे किया करना था वो कर दिया, और मेरी होती भी ये बात है। तो ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और बाकी और भी चीजें है। ठीक है, और मैं अभी बोलता हूँ, सीरियसली बोलता हूँ, मुझे इमैच्योर ऑडियंस नहीं चाहिए भाई। अनफॉलो अब भी कर दो, अनसब्सक्राइब अब भी कर दो, अभी निकल भी गए ना कोई फर्क भी नहीं पड़ता भाई मुझे। और मैं ये जो हेट कमेंट डाल रहा ना, इनको रिप्लाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी उतनी औकात नहीं है रिप्लाई करने की। सिंपल लॉजिक है, जो गालियां देंगे ना, जो इमैच्योर, अरे मॉडल से साथ मेरी बात हुई थी सुबह, मैं 1 घंटा बात कर रहा था उसके साथ, वो मुझे बोलता है कि भाई ये कोई नहीं होते घातक, ये जो बंदे होते हैं ना ये इमैच्योर होते हैं, ये इनको ई स्पोर्ट्स का ही पता नहीं होता है, आके सिर्फ कंट्रोवर्सी करो, मजे लो, पॉपकॉर्न लेके, बस इतना ही आता है उनको। ठीक है, वो तो क्लेरिफिकेशन दूंगा, वो तो बहुत मेन क्लेरिफिकेशन है। अभी मैं जाता हूँ डिस्कॉर्ड पे, और बहुत सारी बातें भी करनी है भाई। किधर गया डिस्कॉर्ड? हेलो एबी, हेलो, इसमें आने का क्या? हेलो, बुलाता हूँ सबको। ठंडा रे भड़क मत। दिमाग खराब है यार। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक बंदा पूछता है सोल टीम को कितना प्यार करते हो? मैं सोल टीम को प्यार नहीं करता ब्रो, मैं मॉडल को प्यार करता हूँ। सिंपल लॉजिक में बोलता हूँ, मैं मॉडल से प्यार करता हूँ, वो मेरा दोस्त अच्छा है। उसको जो बातें हुई थी ना, वो बातें मैं भी बताऊंगा, जो भी चीजें हुई थी वो बताऊंगा, लेकिन सोल टीम से मैंने प्यार करता, ऑनेस्टली बोलता हूँ। आपको जितनी गालियां देनी है बिंदास दे सकते हो भाई। आईएनएस के बंदों को मारने के बाद गालियां पड़ती है उनको। एलएस जैसी टीम जो पहले से पैकड़ों में जाती है, अगर वो टीम सोल को मारती है तो भाई आप आके, मैं अगर उनको सपोर्ट करता हूं तो आप गालियां दोगे। बाद में स्ट्रीम स्नाइप की बात आती है, जहां पे रूट स्नाइपर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, उसमें दिखाया जाता है कि एलएस वालों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, जिसमें एलएस वालों ने उनको वो टाइम पे मारा था। बंदे बोल रहे थे कि वाइपर को उन लोगों ने स्ट्रीम स्नाइप किया, वो लोग, हम लोग जॉर्जो पुल के सिटी में कूदते, वो लोग हमारे साइड में कूदते, हमको भी आके कितने बार मार के गए वो लोग, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं बोला कि भाई उन लोगों ने हमें मारा, या फिर वो किया स्ट्रीम स्नाइप किया हमको, मारते वो लोग, मारा हमको भी साइड में कूदते, हॉस्पिटल में छोटे छोटे कंपाउंड लूटते वो लोग। सोल वहां पे मरी, वो लोगों ने जो वो बंद कर, वो जो बोले बंदे, वो बंदों ने वीडियो भेजा, वो वीडियो ये कंट्रोवर्सी गेमर्स ने डाल दिया। ठीक है, तो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है, क्यों? क्योंकि वहां पे सच्चाई साबित होती है कि भाई एलएस वालों ने एलएस वालों ने स्ट्रीम स्नाइप नहीं किया था। वहां पे कहीं पे एलएस वाले नहीं बोले कि भाई वाइपर है इसको मारो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में दिख रहा है, आप जाके देखो, किसी ना किसी ने वीडियो रखा रहेगा, वो स्ट्राइक मार के वीडियो हटाया जाता है। अच्छी बात है, एलएस वाले बंदे मारते पेकड़ों पे, वाइपर बोलेगा भाई कल के आए लोंडे हमको मार देंगे। अच्छी बात है भाई, कल के आए लोंडे मतलब भाई कोई खेले ही नहीं, तुम ही खेलो भाई। हाँ बराबर है ना? नहीं रंद्र 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 क्या क्या बोल रहा हूँ?
कल क्या है लोंडे भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जितना हेट देना है बिंदास दे सकते हो ठीक है, पर कल क्या है लोंडे ना इज्जत कमा रहे, मार रहे भाई, और हमको भी मार रहे, कुत्ता बना के मार रहे, मैं खुद बोलता हूँ। फटती है हमारी आजकल जब खेलते हैं ना, नई नई टीम जो नाम कमाती है ना उनके साथ फाइट होती है ना, हमारी भी फटती है क्योंकि वो नाम कमा रहे, इज्जत कमा रहे खेल से उनके। तुम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कल क्या है लोंडे हमको मारेंगे। और जब वो वीडियो डालेगा तो भाई उसको कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे, मजे मजे में कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे। दे मारो तो भाई, कहो तुम्हारा ये गेमिंग कम्युनिटी, हम तो भाई ऐसे टाइम पास में आए खेलने के लिए। सोल है, सोल इज इक्वल टू गेमिंग कम्युनिटी, वी आर नथिंग। मॉर्टल की रिस्पेक्ट है, सोल की रिस्पेक्ट नहीं है। और पूछो ब्रो क्या पूछना है। मजे मजे में खुशी खुशी में स्ट्राइक मार देते यार, मजा आ जाता है इनको स्ट्राइक मारने में। जब वो लोग वही लोग फाइट डालेंगे, जब सोल के बारे में अच्छा बोलेंगे तो भाई सही है। अप्रिशिएट करेंगे सारी चीजों को, बाद में बोलेंगे भाई क्या चल रहा है ये। सही है एकदम। एक सेकेंड, अरे ठीक है रख। गलतियां सबसे होती है ब्रो, गलतियां हमारे बंदे भी करते हैं, पर इतना कभी किसी को गालियां नहीं दी। और ठीक है अभी बीच में कुछ बंदे बोलेंगे आरआईपी स्क्वाड वालों के साथ तुम्हारा हो गया था, अभी भी वो आरआईपी स्क्वाड करण मेरे साथ डे ऑलमोस्ट हम लोग हर दिन बात करते हैं, जब भी मतलब कभी बात होती है वो बंदे के साथ मेरी बात होती रहती है, कंटिन्यू सारे बंदों के साथ बात होती है। और हम अप्रिशिएट भी करते, कोई अदर टीम जीत जाए ना तो हम अप्रिशिएट भी करते, हम लोग ऐसा बोलते नहीं है। कभी देखा है अप्रिसिएशन करते हुए किसी और को? जो अबे ये जो बंदे हैं ना, अपनी आईएनडी वाले हो गए, बाकी के ओआर वाले हो गए, सिनर्जी वाले हो गए, बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रिशिएट करती है हारने के बाद भी, सारी जो टीम जीती है ना उनको अप्रिशिएट करती है। वहां पे मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि गेमिंग कम्युनिटी है इन गेम, राइवल्स ठीक है, राइवलरी ठीक है, तुम कैसे मारना है क्या मारना है करो, पर आउट गेम अपनी दोस्ती अपने को ही ठिकाने के रखनी है। और मॉर्टल जैसा बंदा नहीं यार, वो आईएनएस का जो सीन हुआ था वो टाइम पे जब गालियां दी थी, मॉर्टल ने जाके वो वीडियो पे सॉरी बोला भाई, इसको बोलते हैं हम्बलनेस ठीक है। वो बंदा है, वो बंदे में भाई वो बंदा अलग लेवल का बंदा है ठीक है, पर जो करता है ना वो कभी नहीं करता है, जो जो करता है ना वो कभी माफी नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा भाई, मांगनी चाहिए ना। अगर हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, अगर हम गलती करते हैं हम माफी मांगने के लिए एक्सपेक्ट करते हो तो तुम उनसे भी करो, हमारी गलती हो जाती है ना हम लोग भी रिग्रेट करते हैं वो गलती के लिए। गेमिंग कम्युनिटी ठीक सर, और मॉडल के लिए दिल में कुछ नहीं है, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ। हाँ वो वीडियो का भी क्लेरिफिकेशन देना जरूरी है, मेरे को देना बाकी है। डिस्कॉर्ड का क्या आवाज नहीं आ रहा है, क्या सीन है? मैं गया नहीं क्या डिस्कॉर्ड में? अरे जीफड़ आवाज आ रहा है, हेलो क्या हो रहा है? हाँ मेरा जी भाई, यार आवाज आ रहा आ है, रहा है। वो जीफड़ का आवाज स्ट्रीम पे आ रहा है, चेक कर। नहीं अभी आ रहा है देख। अभी वो सीन पे आते हैं, जो सीन के वजह से ये सारी चीजें मुझे भूलनी पड़ रही है ठीक है। एक सेकंड, मैं थक को बोला रहता हूँ एक सेकंड। आ जाओ डिस्कॉर्ड पे, आ जाओ डिस्कॉर्ड पे, हाँ डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, डिस्कॉर्ड पे। हाँ एक सेकंड, आ गया। हेलो एक मिनट, अभी एक और है। मैं, हाँ मैं अभी है ना, एक और है, किस चीज से एक और है? नहीं अब नहीं हो रहा, किससे हो रहा था बीच में? हाँ अभी मैं, मुझे अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ना तो मुझे मुझे रोक देना ठीक है, बीच में कुछ गलत बोल रहा ठीक हूँ।
वो टाइम पे मैं सांगवान हमारे बंदे जो टीम में है मेरे हम लोग पार्टी करने गए थे ठीक है अभी मैं क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ ठीक है गाइस तुमने जो कल का वीडियो देखा ना उसका क्लियरिफिकेशन है अभी ठीक से सुनो हम लोग पार्टी करने गए थे वहाँ पे सीन क्या होता है कि पहले एक बार हमारी मतलब चिलचोर अपना जो है वहाँ पे अनबन होती सांगवान की और मेरी उसके वजह से सांगवान मेरे पे गुस्सा था हमारा वो टाइम पे सॉर्ट आउट भी हो गया था जो भी चीज थी दोनों की गलती थी सॉर्ट आउट हो गया था बट उसके बाद हम लोग पार्टी करने गए हमारे जो मतलब गॉड और क्लच गॉड भी थे वो टाइम पे तो मैं थोड़ा सा बाहर काम के लिए बाहर गया इसने उन दोनों को साइड में लिया और इनको बोला कि इस बार अगर हम लोग फर्स्ट आते तो एनटीडी सेकंड आएगी हम सेकंड आते तो तुम थर्ड आओगे अगर हम लोग नीचे रहेंगे और तुम फर्स्ट पे चल रहे हो तो हम लोग तुमको जीतने नहीं देंगे ये चीज सांगवान बोलता है ठीक है ये चीज सांगवान ने एक्सेप्ट कर ली थक भाई के सामने वो सारी चीजें क्लियर हो गई ठीक है अभी चीज आती है कहाँ पे बात यहाँ पे घूम फिर के आती है वो सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी थग ने मैसेज किया सांगवान को कि भाई क्या बोलते हैं इसको तू अगर तू जो भी रहेगा ना तेरा मॉडल ये सब ये करेगा क्या बोलते हैं इसको डिसीजन लेगा ये तो तू हरकतें कर रहा है उसके लिए ठीक है सांगवान मुझे मिलने आता है सांगवान मुझे बोलता है भाई घातक ये मत कर कॉन्ट्रोवर्सी मत पड़ा ये सारी चीजें मॉडल मुझे निकाल देगा मेरा करियर खत्म हो जाएगा ये सारी चीजें होने के बाद वो सारी चीजें मैं बोलता हूँ चलो ठीक है मैं वो सारी चीजें क्लोज कर देता हूँ क्योंकि वो तो सिर्फ छोटी चीज थी जो उसने कही ना कि भाई वो टीम को तुझे तेरे करेंगे बहुत सारी और चीजें कही थी मेरे बारे में कही थी बहुत गलत गलत चीजें कही थी और मेरे हमारे प्लेयर्स के बारे में बहुत सारी गलत गलत चीजें कही थी वो मैं इस टीम पे बोलूंगा नहीं ठीक है क्योंकि मैं अभी भी वो बंदे का रिस्पेक्ट करता हूँ हमारा रिलेशन अभी भी बहुत अच्छा है बट ये जो कॉन्ट्रोवर्सी कल निकली है उसकी वजह से वो हेट फैल रही है ना उसकी वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है हम लोग डेली बात करते हैं एक दूसरे के मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती है ठीक है उसके बाद अभी वो सांगवान सेकंड है क्या करता है सारी चीजें सॉर्ट होने के बाद एक बंदी है जो कम्युनिटी में अच्छी खासी वेल नोन है उसके लॉबी में जाके बोलता है कि मैं एनटीडी को इस बार फर्स्ट नहीं आने दूंगा और उनको जीतने दूंगा किसी भी हालत में और मेरे बारे में भी फिर से बोल देता है कुछ ना कुछ तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि थग ने मुझे कल रात को कहा था कि अगर मॉडल इस चीज का डिसीजन लेगा सारा ठीक है तो मुझे ऐसा लगा कि मॉडल को ये सारी चीजें पता है थग ने बात की होगी तो ठीक है उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में गुस्सा आ जाता है वो टाइम पे कि मॉडल ने उसको कुछ समझाया क्यों नहीं ठीक है ऑब्वियसली अगर मॉडल को पता तो मॉडल उसको समझाता भाई अभी ये सारी चीजें मत कर और वो करता नहीं 100% नहीं करता अगर मॉडल बोलता तो उसने वो चीज फिर से की तो मैं सेकंड डे लॉबी में गया जहां पे एग्जिस्टेंस बैठा था एग्जिस्टेंस से और मेरी बात चल रही थी वो टाइम पे वो सारी बातें जो आपने सुनी वो मैंने बोली उसके पहले भी बातें हुई थी लेकिन उसके पहले नॉर्मल जो मैं सारी चीजें हुई थी उसको बता रहा था ठीक है और उसमें मैं भी इसमें ये भी बोला था कि भाई मैं मॉडल का रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन वो वीडियो काट के जिसको वो जो नेपाली टीम ने जिसने भी वो डाला है ना वो अभी जो 3-4 दिन पहले वो जो टीम अप हाँ एजेंट है वो टीम अप का सीन हुआ था मैंने वो स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे तो उसकी वजह से हम लोगों ने वो वायरल की हिस्ट्री है वो चीज कि भाई इंडियन टीम्स में हेट फैले मॉर्टल घातक को टारगेट करेंगे मस्त हेट फैलेगा और मस्त ये मस्त टैलेंट लगाया उन लोगों ने दिमाग लगाया और वायरल कर दिया 2-2.5 महीने पहले की क्लिप अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं मैं सुबह मॉडल से मेरी बात होती है 1 घंटे हम लोग कॉल पे बात करते हैं मॉडल मुझे बोलता है सांगवान ने जो चीज की मुझे पता ही नहीं थी नहीं तो मैं सांगवान को बोलता और ये सारी चीजें होती ही नहीं ठीक है तभी भी हमारा पहले ही सॉर्ट आउट हुआ था ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चिल्लो ग्रुप पे है ना तो मॉडल बोला था चिल्लो सब लोग अपने ही है ये वो ऐसा वैसा सॉर्ट आउट हुआ था तो मुझे लगा कि मॉडल को पता होगा पर वो चीजें पता ही नहीं थी जो बाद में जो हुई थी कि भाई ये जो टीम से निकाला जाएगा ये किया जाएगा भाई ये करते वो करते वो सारी चीजें पता नहीं थी तो ये आज सुबह सॉर्ट आउट होता है मॉडल ने उसके लिए स्टोरी भी डाल दी तो मैं यही चीजें क्लियर करना चाहता था बाकी और कुछ नहीं है और कौन कौन आया रौनक आया है ओवेस भी आया अभी आते कल के टॉपिक पे फिर से ठीक है भाई ये देखो मेरा अकेले का दिल से इतना ही है कि सब लोगों ने मिलके ग्रो किया है जो भी हुआ कल रात को रौनक को गुस्सा था थक को गुस्सा था ओवेस को गुस्सा है ओवेस के डैड से मेरी 1 घंटे के लिए बात हुई जो भी चीजें हुई ठीक है और उन सबके दिल में गिले शिकवे हैं अभी तुम लोग बोलो मैं कुछ नहीं बोलने वाला तुम तुम्हारे हिसाब से हैंडल करो अपने को ये खत्म करना है आज कुछ भी करके कुछ भी करके अपने को ये सारी की सारी चीजें खत्म करनी है जो मजाक ना बने आने वाले टाइम में ऑडियंस के सामने भाई घातक भाई देखिए खत्म तो हो चुके हैं ना मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ घातक भाई एक सेकंड एक बात आपने बोला था ना एक बात की सबको बोलने का मौका मिलेगा मैं बोलूंगा खत्म होता है क्या खत्म आज के दिन मैं खत्म हो गया ठीक है चलो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ साथ यहाँ पे 3-4 लोग और है हिरेन भाई भी है क्रिश भाई भी है और मतलब मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो हम लोग होते हैं ना कि थोड़े बड़े हो गए कि आप लोग एज में बड़े हो मेरे से ठीक है
तो भाई हिरेन भाई ने भी मुझे काफी टाइम सपोर्ट किया, क्रिश भाई भी मुझे बहुत टाइम से जानते हैं। ठीक है, देखिए घातक भाई, एक चीज है कि मुझे कल कल मेरा जो भी रिएक्शन था ना, गुस्सा, मुझे एक ही चीज का था, मैं ये नहीं बोला रौनक 100% गलत था, सारा बिल लेकिन मेरे पे फाड़ दिया गया। और अगर किसी को लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं आज भी आज अपने वीडियो पे भी बोला कि रौनक फ्रस्ट्रेशन था, ठीक है, लेकिन वो अगर एक बार सब कुछ याद करता कि हम लोग किस रिलेशनशिप में थे, तो शायद उसको फ्रस्ट्रेशन पूरा मेरे पे नहीं निकालना था। ये मेरा ओपिनियन रौनक मेरे बारे में। हाँ ठीक है, चलो अब घातक भाई, जब सोल टूटी आपने मेरे से भी बात किया होगा, आपने रौनक को वैसे ही बात किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो किया था। अब आपको भी पता है कि कल वो जिस इंटेंसिटी से मेरे पे ब्लेम लगाया, आप सामने हो, आप बता दो सही था क्या। एक एक चीज बोलता हूँ मैं 100%, ठीक है, मैं जब जिम कॉर्बेट में था ना, ओवेस और रौनक मेरे सामने खड़े थे, और वही एयरपोर्ट की बात है, ठीक है, एयरपोर्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, मैं रौनक को लेके साइड में गया था कॉफी पीने, वो टाइम पे बात की थी, वो बंदा बोला था मुझे अभी भी कुछ ग्रज नहीं है, ठीक है, वो टाइम पे मैं गुस्से में था, आपको भी पता है जो अपना सीन हुआ था जिम कॉर्बेट में, ठीक है, हाँ वो तो जो भी हुआ था, लेकिन वो टाइम मैं गुस्से में था, मैंने रौनक को बोला था तू क्यों नहीं बोलता अगर तेरे पास तेरे पे इतना, तो बोलता है मेरे को ये सारी चीजें नहीं लानी है, तो उनके दिमाग में वो सारी चीजें थी नहीं, ठीक है, तो ओवेस भी बोला था सेम चीज कि भाई मुझे नहीं लानी है, अभी सबका अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पता नहीं अभी होता है यार, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में, मैं थोड़ी मना करूं, मैं तो बोलता हूं होता है, लेकिन मेरा यहां पे मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं कि भाई आपने पूछा ना कि सब कुछ खत्म करते हैं, तो आज के दिन कुछ खत्म नहीं हुआ घातक भाई, मैं खत्म हुआ, और यहाँ पे भाई बहुत कम्युनिटी, नहीं 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 एक संग घातक भाई, कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ साथ, ठीक है, तो यहाँ पे रौनक ओवेस भी बैठे, बहुत लोग बैठे हैं, जिस जो बिल मेरे पे गया कि मैंने सोल तोड़ा, वो मेरे हिसाब से 100% गलत था, ठीक है, ये चीज मैं हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखूंगा। जो लोग आप कॉर्बेट की बात करें, जो 2 महीना पहले था, सोल टूटने के 1 महीने बाद भी आप लोग सब मिले थे, सब लोग एक दूसरे से बात करते ही थे ना, ठीक है, हमने भी मिला था, उसके बाद मैं और आप भी एक जगह मिले थे, ठीक है, जब सब लोग थे, तो उस टाइम भी हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि आप बस ये चीज हाँ या ना बोल दो कि सोल जो तोड़ा पूरा ब्लेम पूरा गलती मेरा था, या सबकी अपनी अपनी समझ की बात थी। आपने सब साइड का स्टोरी इंडिविजुअली सुना है भाई? सुना है, मैंने सब साइड का स्टोरी इंडिविजुअली सुना है, बस बस ठीक है, तो उसे सुनना है। अरे रौनक एक सेकंड, एक बार बोलने दे घातक भाई को, एक सेकंड बोलता हूं, बात वहीं पे आ जाती है, प्लेयर का कुछ 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 जगह पे प्लेयर का इंडिविजुअल भी ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब डिसीजन होता है, डिसीजन होता है, हाँ, किसी के प्लेयर का इंडिविजुअल डिसीजन भी होता है, और कहीं कहीं पे ऐसे सिचुएशन बन जाता है कि छोड़ना भी पड़ता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल का सारा जो मैंने कन्वर्सेशन देखा वो सब गुस्से में था, आज एकदम शांति से सारी चीजें बोलने दो, ओवेस को भी 2-3 बातें बोलनी है वो भी बोल देगा, और ये आज खत्म ही कर देते पूरा अपना, क्या है मालूम है क्या नहीं वो बात, अरे समझ गया घातक भाई, लेकिन आप बस खाली मेरा जवाब का सवाल का तो एक जवाब दो कि कल जो बात हुई आप ये बोल, ये आप अग्री करो, अगर आप अग्री करते हो तो मन से कि भाई ये चीज गुस्सा में हुआ हुआ बात था या ये चीज फैक्चुअल बात था कि सोल तोड़ने का, दोनों का बात गुस्से में ही था, दोनों का भी, दोनों का ऑब्वियसली सब लोग देख रहे थे, और मैं तो आज सुबह बोल रहा कि मैं तो 100% गुस्सा में बात, मैंने सारे कमेंट्स भी पढ़े, मैच्योर जितने भी ऑडियंस है ना वो लोग वही बोल रहे थे कि ये सारी चीजें खत्म कर दो, और जो बाकी इमैच्योर जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई इमैच्योर बंदे आते हैं पोगो देखने वाले 14-17 साल के, तो वो वही बोलेंगे जिनको उनको जो बोला उनके घर वालों ने जो सिखाया वो वही बोलेंगे, वो आप बोल रहे ना खत्म हुआ, किसने बोला आपको आप खत्म हो गए, चैट देख लो आप अपना, नहीं नहीं अरे वो खत्म, अरे खत्म, बस एक चीज बोलूंगा मैं, एक चीज मैं इधर बोलूंगा, सुनना घातक भाई एक सेकंड सुनना, एक चीज मैं बोलूंगा कि जो गुस्सा था ना जो आज वाइपर ने बोला ना, अभी जो उसने स्ट्रीम चालू की कि जो टाइम पे थक के लिए कोई नहीं खड़ा था, ये सब जो बोला मैं आज थक के लिए खड़ा हूँ ये वो, तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, इतना जब मैं खड़ा था साथ में, जब मैं और ओविस इतना हेट कर रहे थे तभी तुम्हारी दोस्ती कहाँ गई, तब किस बात की दोस्ती थी, वो मोटल को एक बार भी क्लियर करने नहीं हुआ, मोटल अपना क्लियर करके कट लिया, साइड हो गया, मैं कॉम्पिटिटिव से हट रहा, और बाद में जब स्काउट का इतना सब सीन हुआ वो सब हुआ, उसके बाद ओविस को थक तुझे ही पता है, तू ही निकालना चाहता था, तू एक्सेप्ट कर ले, एक सेकंड अब एक बात पे चले, अच्छा ओविस भाई तूने शायद पीएमसीओ के पहले दिया था कि मैं मुझे सोल में रहने में दिक्कत नहीं है, मुझे थक के साथ नहीं रहना, राइट रौनक अग्रीड, ओवेस से पूछ ले, ओवेस इधर ही है, ओवेस हेलो, हाँ ओवेस भाई तूने पीएमसीओ के पहले ही डिसाइड कर लिया था ना कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना, तू तेरे को ये था कि सोल में हम लोग चाह रहे थक क्या कर रहे, राइट, हाँ ऑब्वियसली, हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो, उसके बाद सोल सबसे पहले कौन छोड़ा था मीटिंग के बाद, एक मिनट सुनो, देखो जो भी था
मेरे को मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है जो मेरे को पूरा बताना नहीं है ठीक है मेरे साथ बहुत गलत हुआ जो मेरे को पूरा बताना नहीं है जो मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ बताया मेरे को खत्म मेरे में ऐसा कुछ नहीं है मेन सीन ये हुआ था कि मैंने मॉडल को बहुत बार बोला मॉडल हमारे साथ गलत हो रहा है ठीक है मॉडल हमारे साथ गलत हो रहा है और मैं मॉडल वाइपर रौनक चारों साथ में बैठ के पीएमसीओ के बाद साथ में बैठ के रॉयल प्लाजा होटल के बाद वहां बैठ के चारों ने बात की है कि क्या हुआ है रौनक थे अपन चारों बैठ के बात किए थे मॉडल ने क्या बोला था बता रौनक मैं कल बोला तो मैंने वही क्या बोला था ठीक है मॉडल सब बोला अपन सब थक से खत्म कर देंगे अपन अपना करेंगे अपन सब अलग से तो हम लोग भाई हम लोग की तो चारों की टीम है हम तो अग्री करेंगे ना एक दूसरे को अरे ओवेस खत्म तो किया ही था ना कहा खत्म किया भाई याद कर मैंने बोला था कि भाई आज से मैं सोल का जब तुम लोग ने बोला कि थक के साथ नहीं रहना और मेरी और मॉडल की पार्टनरशिप टूटी तो मैं ही तो सोल छोड़ा बर्लिन जाने से पहले तू अपना सबका मीटिंग हुआ था तब तुम आए थे तब तुम लोग मैं नहीं आया था मेरे को बुलाया नहीं गया या मेरे को पता नहीं क्या नहीं हुआ मेरे को खुद को भी नहीं पता उस टाइम पे तुम लोग सबका मीटिंग हुआ उसके एक दिन बाद जो भी पैसे का सीन था उसके एक दिन बाद मॉडल के कुछ तो गार्डियन थे उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग थक को पैसा नहीं देंगे तो मेरा 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 जो बेटा है वो बर्लिन नहीं आएगा तुम्हारे साथ खेलने अच्छा तो हम लोग क्यों नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा वो साइड अलग है ना मॉडल क्यों नहीं आएगा मॉडल बर्लिन हमारे साथ क्यों खेलने नहीं आएगा हमने क्या गलत किया उसमें हम तो अपना हक की लड़ाई करेंगे ना हम थोड़ी ना किसी के गुलाम है ठीक है किसी के गुलाम थोड़ी ना है भाई अगर हमारा हक है भाई अच्छा। जो भी हम आगे गए हमको नहीं मिलेगा तो हम उस पे कंप्लेन करेंगे क्यों नहीं करेंगे ठीक है तो बात तो मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ हाँ वो बात तो मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ ठीक है आगे 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 और क्या सुनना है आपको बताओ अरे मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने तुझे सोल से निकाला ये बात कहाँ से आई ब्रो वही तो चीज है ना अरे भाई सुनो तुमने प्रोग्राम बनाया निकालने का तुमने प्रोग्राम बनाया निकालने का सबने मिलके अरे ओवेस यही तो बात है ना भाई वो एक हफ्ते जो मीटिंग हुई थी अरे मेरे को पता है ना मॉडल क्या था और क्या हो गया है मॉडल मेरा दोस्त था ना मेरे को पता है मैं मॉडल के साथ खेला हूँ मैं वाइपर के साथ खेला हूँ मैं सिंपल एक चीज बोल रहा हूँ तेरे साथ भी बहुत रहा वो मेरे साथ भी बहुत रहा ठीक है अब एक चीज सुनो मॉडल तुम्हारे साथ बहुत रहा बट वाइपर जितना हमारे साथ रहा ना उतना तो किसी के साथ ना रहा अग्रीड मैं तो बोल ही रहा हूँ उसने क्या क्या और उसने हम लोग तीन में क्या क्या वादे हुए ना वो मेरे को अभी भी पता है भाई वादे तुम लोग में हुए पहला बात तो मुझे भी नहीं पता था कि मॉडल ने ये बात बोला था कि हम लोग निकाल देंगे जो बात आज तुम लोग ने मुझे बताया अब पहली मेरी बात सुनो पॉइंट बात तो तुम लोग मेरे पे डाल दिए जो अभी तुम लोग मुझे बात बोले ना मॉडल ने सुन तो जो भी मुझे बोला कि तुम लोग का रॉयल प्लाजा के बाहर बात हुआ ये बात मुझे कभी नहीं पता था आज तूने पहला बार मुझे बताया कि मॉडल और सब लोग ने बात बोला कि हम लोग तुम लोग को निकाल देंगे अरे भाई मेरे पास तो इतना कुछ है बोलने के लिए मेरे को नहीं बोलना है एग्जैक्टली ओवेस बात ये है कि भाई तुम लोग को भी उतना ही बात पता है जिसमें मुझे तुम लोग जिसके जिसमें तुम लोग को मैं बुरा लगू और मुझे उतना बात पता है जिसमें मुझे तुम लोग बुरा लगो सुनो पीएमसीओ सेमीफाइनल में अपना परफॉर्मेंस डाउन हुआ था तुमने और थग ने मिलके मेरे तुमने और मॉडल ने मिलके मेरे को कॉल किया था कि ओएस रौनक और वाइपर से खेलने रौनक और वाइपर से खेलने नहीं हो रहा है अपने को कुछ आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी और ये चीज ये चीज जाके मैंने रौनक और वाइपर को बताई कि ये देख ये होने वाला है तुम्हारे साथ तुम अपना इम्प्रूव करो ये चीज मैंने रौनक और वाइपर को बताई ओएस अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करा उस पर डिस्कशन करना गलत था गलत था बट उस टाइम हम लोग अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे रहे थे हम लोग अपनी टीम हम लोग की टीम पे ध्यान दे रहे थे टीम परफॉर्म नहीं कर रहे तू टीम का आईजीएल तू टीम का कौन लाइटर जलाएगा तू टीम का आईजीएल तू टीम का पूरा ध्यान रखने वाला तू अकेला टीम को संभालता था तो अगर मैं तेरे को ही फोन करके बोला तो आज तू उस बात को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा था इनको निकालने के लिए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बट हम लोग की टीम ऐसी थी कि हमको तोड़ना नहीं था हाँ। तो मैं तुमने जो मेरे को बोले वो मैं समझा बट मैंने क्या बोला अपने को टीम नहीं पूछा अभी रौनक बेटा इम्प्रूव करना है राइट
आपको इम्प्रूव करना है अगर मुझे टीम तोड़नी होती तो उसी टाइम में मॉडल को बोल देता इन दोनों को निकाल दे क्योंकि मॉडल तब भी जब जितनी बातें मेरी होती थी मॉडल से उतनी किसी की नहीं होती थी मॉडल मेरे को ए टू जेड सब बताता था ठीक है बस मेरे को अगर तोड़नी होती टीम या खुद को छोड़ना होता तो छोड़ देता सिंपल सी बात है ओवेश तुम लोग अब जैसे कि अब जो तुमने एक बात बोला उससे मेरी बहुत मतलब अलग ही बात मुझे पता चला कि तुम लोग चारों के बीच में डिस्कशन हुआ था कि थक को बाहर निकालना है ठीक है और भाई थक को बाहर नहीं निकालना है थक को बाहर नहीं निकालना ये बात पूछ ले मैंने क्या बोला था हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है हम लोग के साथ जुलूम हो रहा है हम लोग किसी के गुलाम नहीं है जो हमारा हक का है वो हम लेंगे मतलब लेंगे ये चीज मैंने मॉडल को भी बोली रौनक को भी बोली वाइपर को भी बोली जो हमारे हक का है जो हमारी मेहनत का है वो तो मैं कोई भी से भी लूंगा कोई भी हो कोई भी हो तो मैं लूंगा और मैं उसके लिए बात करूंगा एक सेकंड तुम लोग दोनों को लगा तुम लोग के साथ गलत हुआ तो तुम लोग ने बस तो भाई वो तुम लोग ने तीनों और मैंने कहा निकालने की बात आई वाइपर भी था दोनों हम दोनों का मतदान वाइपर भी था वाइपर को वाइपर भी मेरे अगेंस्ट हो गया था वाइपर को बर्लिन के आने का जो तुम लोग लोना लगाए थे ना जिसमें मैं नहीं आए थे उसमें जो मैनिपुलेशन हुआ है ना वो हमें पता है वो पब्लिक को नहीं पता है ये सब बर्लिन बर्लिन के एंड तक मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को सर बर्लिन के एंड तक वाइपर हमारे साथ था और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वाइपर तुम्हारे साथ लोना वाला चला और हम लोग दोनों नहीं चले वाइपर को पूछो वो मैं क्यों जानू उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है अभी मैं तो बहुत आगे बढ़ चुका हूँ भाई अगर एक बात बता अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो 10 महीना बाद ये बात क्यों आया हेलो 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 डियर थग्स डियर थग आई एम ऑलवेज डैडी हेलो अंकल एवरीबॉडी हु आर हियर हेलो टू एवरीबॉडी विल प्रोलॉन्ग अगर हम लोग बहस करने बैठेंगे और आर्ग्यूमेंट करने बैठेंगे ना तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा आप समझेंगे अंकल अभी मैं बहुत एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का अ वर्ड इज इनफ टू अ वाइज समझा कि नहीं But I will speak for only short time and everybody should understand it and whatever they have done or they propose to do or they will be doing, they should stop it. I was involved from the dream hack till my Berlin and today also I am involved with my children. मेरे बच्चे के साथ मैं अभी भी full 100% involved हूँ. Thug bhai, आप professional थे आपने कुछ सोच के जो भी आपने काम किया वो आपके लिए किया क्योंकि आप प्रोफेशनल व्यू से देख रहे थे ठीक है अंकल ड्रीम हैक से लेकर हैदराबाद तक हमारे बच्चे लोग इसको एक शौक से और एक हॉबी से ये ड्रीम खेल रहे थे राइट आप समझे कि नहीं आपको दिमाग था आपने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया था कि ये गेम में इकोनॉमिक्स भी है फाइनेंस भी है और सब भी है आप समझे कि आपने उसका फायदा उठाया तो मैं आई वॉज द ओनली फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जेक्टेड टू इट ओके बिकॉज आई रेड योर कॉन्ट्रैक्ट ओके एट दैट टाइम पोर्टल टोल्ड मी कि अंकल इफ यू डोंट वांट टू साइन डोंट साइन बट राइट बट वी हैव गिवन वर्ड वी हैव टू टेल व्हिच आई एग्री ठीक है ओके आफ्टर दैट व्हाटएवर इन्फ्लुएंस यू हैड विद मॉडल इट इज इट फॉर मी इट इज अ बिजनेस राइट यू अंडरस्टैंड And I didn't interfere in it, nor I asked my child to do anything. Okay? Agreed. When Mortal's Guardian, only 10 days were left for us to fly to Germany, he called me and he told me, Bhai sahab, bachche log ja rahe, sab jeet ke aayenge. Abhi aap ek kaam karo, aap ek affidavit banao, jisme aap 30% thak ko aapko paisa dena padega. Theek hai. मैंने बोला भाई साहब मैं थक को पैसा नहीं दूंगा नहीं दोगे ठीक है मैं पैसा नहीं दूंगा और मैं इसके अगेंस्ट में हूँ आप समझे कि नहीं ठीक है मैंने उस दिन मैंने इसका सब इकोनॉमिक समझ गया था मेरे को ठीक है आप समझे कि नहीं जैसा तू होशियार है वैसा मैं भी होशियार हूँ आप समझे कि नहीं बात है अंकल हाँ तो हमको भी बिजनेस आता है हमने उसका ऑब्जेक्शन लिया और मैंने मॉडल के गार्डियन को कहा अगर आपके बच्चे तो भेजने का तो भेजो नहीं भेजने का तो मत भेजो मैं आपको पैसा मेरे बच्चे का नहीं दूंगा
ठीक है वो आपने नहीं भी दिया, वो आपने दिया भी नहीं। तो मेरी बात सुन, अभी मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ कि उसके बाद मोटल वहां गया, मैं ओनली गार्डियन और मैं ओनली इंडियन कम्युनिटी से एक आदमी था जो वो टूर्नामेंट को वहां बैठ के देख रहा था राइट। और कोई नहीं आया था इंडिया से। हाँ। और वहां पर मॉर्टल का पूरा जो बॉडी लैंग्वेज और गेम प्ले एकदम हाँ। नीचे आ गया था। वो क्यों अच्छा। आ गया था हमको पता नहीं है, आप अच्छा। समझे कि नहीं। अच्छा। कुछ टाइम पे रेस्टोरेंट में रौनक वाइपर ये लोग सब आके मिले कि अंकल अपने को कुछ करना पड़ेगा, इतना सब हमारा गेम प्ले खराब हो गया, अपना इतना हाँ। सब गेम हो गया, मतलब चलो अपन इंडिया में जाके अपन मीटिंग करेंगे और हाँ। इस पे बातचीत करेंगे कि कैसा करने का इसके ऊपर, ठीक है आप समझे कि नहीं। तो हाँ। इसके अंदर द ग्रेट वाइपर हु इज गेटिंग लॉट ऑफ अप्लॉज फ्रॉम द कम्युनिटी, आई नो व्हाई इज विथ यू एंड आई कैन प्रूव दैट व्हाट यू पीपल हैव डन एंड यू शुड नॉट स्टॉप इट एंड लेट एवरीबॉडी प्ले हिज गेम शो हिज एंड अर्न हिज मनी राइट एंड एवरीबॉडी हैज राइट टू डू इट सो डोंट फिंगर दैट नाउ इसके आने के बाद किसको भी कुछ फिंगरिंग मत करो। आप हमारा रौनक का जो अफसोस है कि चोल टूट गई, उसके बहुत सारे रीजन है, अभी हमको किसी को बताने का नहीं है, किसी को डिसइंटीग्रेट करने का नहीं है। मगर मेरा बच्चा एक महीना स्ट्रीम बंद किया था, उसको इतना हेट और इतना उसको सब मिला। मैंने बोला बेटा स्ट्रीम करना बंद कर दे, कमेंट्स देखना बंद कर दे, तेरे को खेलने आता है, नया टीम बना, खेलो और प्रूव करो। और उसके पीछे हमको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो ये जानबूझ के ये सब चीज को प्रमोट करते हैं, आप समझे कि नहीं। और स्काउट उसका घड़ी घड़ी पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। अभी एक हफ्ते पहले फैनेटिक के अंदर भी गेम स्टाइल से या स्काउट के नेचर से हमारे को इशू हुआ है, आप समझे कि नहीं। हम लोग मैनेजमेंट ने बात किया, सबको समझाया, तो हमारा एक ही विनंती है ठग भाई कि आप फ्री है, आपको जैसा चाहे आप पैसा कमाओ, मगर जो ये पबजी कम्युनिटी है जिसके अंदर बच्चे लोग खेल रहे अपने स्किल से अपनी मेहनत से, उनको जो हेट मिलता है वो तुम्हारी ऑडियंस से मिलता है और वो ऑडियंस को तुम लोग मैनेज कर रहे हो, और ये प्रूफ करने के लिए मेरे को मेहरबानी करके लगाना नहीं कि तुम उसको कैसा मैनेज करता है, समझा कि नहीं। इसके लिए मैं तेरे को विनंती से बोलता हूँ कि आपको मुबारक हो, आपका 4 मिलियन फैन, हमारे को मुबारक हो हमारा 150 फैन, मगर आप इसको प्रमोट मत करना। आपके पास एक बहुत बड़ी गैंग है जो बैक डोर से इसको प्रमोट करती है। अच्छा। और प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप ये सब काम अगर आपने किया है या करना चाहते हो तो बंद कर दो। लेट एवरीबॉडी प्ले, एवरीबॉडी प्ले इन गेम। मैं आपकी बात समझ रहा हूं स्किल, सो ही स्किल। अंकल आपके एक बज गए, आप इतना वो मत प्रेशर लीजिए, मैं आपको एक बात। नहीं प्रेशर क्यों नहीं भाई, ठग भाई हम आपकी इज्जत करते हैं, आप एक बिजनेस मैन हो पबजी के अंदर, आप आपका बिजनेस करो। जब आके आपने मुझे बोला था, जब पहली बार हमने मिले थे, आपने मुझे बोला था कि तू डायरेक्टर प्रोड्यूसर और सब कुछ है इस मूवी का, तो अंकल मुझे अभी भी वो याद है, ठीक है। मैंने तेरे को ताना मारा था। हाँ। तेरी मैंने तारीफ नहीं किया था क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को पूरा हक है बिजनेस करने का, समझा तुम्हें, तेरे को पूरा हक है, जो तेरे को नॉलेज मिला है पबजी का उसमें से तू पैसा बना, तू तेरा इज्जत बना, तू तेरा फेम बना, मगर जो हमको दूसरे कम्युनिटी को जो हेट मिल रहा है तुम्हारे सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा से, उसको बंद करो। ठीक है अंकल, चलिए ये बात। अगर तूने नहीं किया है, अगर तू नहीं कर रहा है तो तू सोच के लिए मैंने तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, और भूल जा और मॉर्टल को और या तो तेरे दूसरे सब को ब्रदर्स को उन लोग को स्ट्रीम करने के टाइम उन लोग को बोलना चाहिए कि भाई किसी को भी हेट मत दो, किसी को भी हेट मत दो, किसी को भी हेट मत दो,
मेरे बेटे ने आज तक किसी को हेट स्ट्रीम पे भेजा नहीं है ठग भाई, जबकि जबकि उसको एक महीना जो है ना मोटल एंड कंपनी की तरफ से वो हमको मालूम है, और वो अभी भी फिंगरिंग चालू है। तो प्लीज स्टॉप दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पबजी कम्युनिटी एंड ऑल द अपकमिंग प्लेयर्स, लेट देम शो देयर स्किल एंड अर्न देयर लिवलीहुड। अंकल अभी एक सेकंड मेरे को बोलने दो, एक मिनट। सीन क्या मालूम है क्या, आप आपका जो मतलब ओवेस बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो बात भी सही है, लेकिन जितना मैं अभी स्पोर्ट्स में आया ना उसके हिसाब से मेरे को जितना मालूम है, अभी इको क्यों हो रही है, आ रही आवाज, बोलो तुम किसी की, कोई किसी की, दो मिनट म्यूट करो ना कोई। हाँ तो सीन क्या, सीन क्या, अबे नहीं यार, मांबा मांबा मांबा, हेलो, हाँ अभी ठीक है। तो सीन क्या है देखो, अभी ओवेस जो बोला, रौनक जो बोला, वो सारी चीजें सही है, मतलब उन लोगों के हिसाब से सही है कि भाई हम लोगों ने साथ में मिलकर सोल बनाया था तो हमें हमारे हित का हक का चाहिए। यहाँ पे उनकी भी बात सही है, आपको 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 नहीं देने का था, आपको नहीं देने का था, आपने आपने दो मिनट मुझे बोलने, प्लीज बोलने दो। यहाँ पे आप अगर आप सोचोगे ना, मतलब थक के साइड से, ठीक है, गलतियां दोनों साइड से हुई है ऐसा, मतलब ठीक है, वो बोलते ना कि नहीं, भाई, भाई, भाई हमारे साइड से कुछ गलती नहीं हुई, ठग तो पूछ ले, मैंने मेरा बेटे का पेपर साइन ही नहीं किया है, मेरा बेटा अंडर एज था। हाँ ठीक है चलो, नहीं हुई ना तो मैं आपको बोलता हूँ, सही है ठीक है चलो, मैंने फिर भी उसको पैसा दिया हूँ। ठीक है चलो, मैंने जवान दिया था मॉडल को, पीएमसीओ का नहीं दिया था, पीएमआईएस का आपने दिया था। हाँ तो मैंने खाली एक ही का जवान दिया था, मॉडल को ला लाइन पे कुछ ये सब बातें मुझे नहीं पता थी। अरे अंकल दो मिनट तो अभी अगर मॉडल कुछ बोला, अंकल दो मिनट, ई स्पोर्ट्स अगर आप दो मिनट मुझे बोलने दो बस, बीच में मत बोलना, बोलो ना, ठीक है चलो, गलती आप बोल रहे हो ना आपकी नहीं है तो आपकी गलती नहीं है, चलो हम मानते हैं कि थकी गलती है, लेकिन ई स्पोर्ट्स में जैसे कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर जितने भी कंपनी में मतलब बंदे जाते, जो भी हो, फनाटिक हो, टीएसएम हो, सिनर्जी हो, जो भी कंपनी हो, ऑरेंज रॉक हो, उसमें ई स्पोर्ट्स कंपनी कभी भी किसी भी जो भी डील रहती है वो कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करती है, और जो भी उनका पैसा रहता है वो उनको मतलब उसके हिसाब से देती है, डिजर्विंग बंदे को उसके हिसाब से पैसा मिलता है, जो भी पैसा रहता है वो उसको डिजर्विंग बंदे को उतना मिलता है। मिस्टर घाटक भाई, मिस्टर घाटक भाई, दिस हैपेंड आफ्टर दिल्ली, टीम बना उसके पहले कोई रजिस्टर नहीं था, खाली ठग ठग का दिमाग के वजह से ठग समझ गया था, और ठग ने ठग वाज द फर्स्ट पर्सन। अंकल दो मिनट रुकोगे दो मिनट, मैं बात कंप्लीट तो करने दो यार, मैं कंप्लीट ही नहीं करने दे रहा। मैं बोल रहा हूँ कि उसको स्पोर्ट टीम बनानी थी, उसने भी दिमाग लगाया, ठीक है, आप बोल रहे हो कि आपकी गलती नहीं है चलो मान लेते, बट उसने खुद को ओनर बनाया था पहले से। अंकल आपकी गलती नहीं है ना, ओवेस की गलती है ना, रौनक की गलती है, मैं वही बोल रहा हूँ, पर थग ने खुद को ओनर बनाया था सोल का, उसने रजिस्टर नहीं किया था दो मिनट कम्प्लीट तो करने दे। आपके साथ पार्टनरशिप साइन किया है क्या? मोर्टल ने बोला नहीं अंकल, मेरा सब वर्बल ही है ठग के साथ, मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। कोई नहीं बोल पाएगा अंकल, आप जब बोलते रहोगे तो कोई बोल नहीं पाएगा। नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा ना, तू गलत बात कर रहा है, तो कैसा मोर्टल को नहीं जानते? मैं गलत नहीं बात कर रहा हूँ, ठग नहीं था, ठग ने कंपनी नहीं बनाया था, ठग मोर्टल को मैंने पूछा तूने इसके साथ कुछ कंपनी बनाया है क्या, तूने इसके साथ कुछ पार्टनरशिप किया है क्या, मोर्टल ने पता किया, मोर्टल को लाओ लाइन पे, मोर्टल बताएगा, मैंने मोर्टल को पूछा, उसके घर में पूछा, उसकी माँ के सामने पूछा, जर्मनी में पूछा, दिल्ली में पूछा। अंकल दो मिनट, अभी मुझे प्लीज बात करने दो, आपकी बात सही है, दो मिनट, अब बस दो मिनट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी बात सही है कि उन लोगों ने सबने मिलके टीम बनाया था, तो उनको उनके दिमाग में यही था कि सबको सेम हिस्सा जाना चाहिए, वो जो भी डील था, पर उसने थग ने जो टीम बनाई थी ना, तो वो उसको ऑब्वियसली अगर सब बंदों के रहता है एक्सपेक्टेशन रहता है, सब बंदों को अपना करियर बनाने का रहता है, उसके पास वो जो आप खुद भी बोलते हो कि हाँ उसके पास दिमाग है थक के पास, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं ना, अभी अभी जो पूरे कम्युनिटी ये जो झगड़ा क्यों चल रहा है वो आप समझ रहे नहीं है, इसकी नस को पकड़ो, हमको थक से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थक बिजनेस करे और 50 टीम बनाए पैसा कमाए, हम
हमारे बच्चों को जो इन्होंने हेट दिलाया है और वो धंधा आज तक चालू है उसका झगड़ा है। हमारे को उसके पैसे कमाने से, उसकी टीम बनाने से, उसको उसको तरक्की और भगवान दे और उसको करोड़पति बन जाए, समझा कि नहीं। हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो ये लोग पबजी कम्युनिटी के अंदर इनके कॉम्पिटिटर को जो ये लोग हेट दे रहे हैं और जो सिस्टमैटिक एक लॉबी चला रहे हैं उसका झगड़ा है, वो बंद होना चाहिए। ठीक है अंकल, अभी ठीक है, चलो वीसी से। हम कोई स्पोर्ट कम्युनिटी का कंपनी का मैनेजर पैसा बनावे के उसका सेट पैसा बनावे उसके विरुद्ध में नहीं है। अभी भी हम लोग ने फेनेटिक के साथ जो एग्रीमेंट किया तो वो भी पैसा ले रहा है क्या? वो हमको क्या फुकट में नहीं रखा है? सब हमारे को नहीं दिया है पैसा? ये देखो अंकल, हमारा झगड़ा, हमारा डिस्प्यूट है ओनली जो 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 नंबर्स इनके पास है, जो 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 कम्युनिटी का जो ह्यूज क्राउड इनके पास है उसके अंदर जो ये लोग मैनेज करके जो जो दूसरी दूसरी टीमों को और बेसिकली मोस्टली फैनेटिक को, ओवेस को, रौनक को और जो ये लोग हेट चला रहे वो बंद करो प्लीज। अंकल जो ह्यूज क्राउड की आप बात कर रहे हो ना, वो सबने मिलके ही कमाया ना, मैं वही बात बोल रहा हूँ। आपने मुझे बात कंप्लीट करने नहीं दी। जो बात हुई थी ना, ये देखो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनो थक के, ठीक है? वो अगर मुझे एक बात बोलो, आप और मैंने कॉल पे बात की थी, आपने खुद बोला कि वो बंदे में बहुत दिमाग है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ये कम्युनिटी का हर बंदा मानता है, कम्युनिटी में जितने बंदे ना वो हर बंदे मानते हैं कि भाई थग में दिमाग है। और अरे मगर वो दिमाग से किसी की बात नहीं लगा देना अंकल, मुझे कंप्लीट तो करने दो, आप वही नहीं करने दे रहे हो कंप्लीट। अगर मैं हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो कि टीम बनी थी पहले, ठीक है? जो जब टीम बनी थी सोल की, तब वो टाइम पे कि सबका हिस्सा मिलना चाहिए थे, आपने ऐसा सोचा था, ठीक है? तो सोचा नहीं, मैंने मेरा हक का लड़ाई किया, ठीक है? अभी रुको। तो उसने वो थक का क्या कहना है कि भाई मैं ओनर हूँ, मैंने टीम बनाई थी, ठीक है? वो ओनर नहीं था, नहीं था वो, ठीक है? चलो ठीक है, ये भी बात मान ली। मोटर को लेके आओ, मैं मोटर को जर्मनी नहीं था तो आप लोगों को तो मुझे सबको मुझे पीएमआईएस के पहले ही निकाल देना था। मैं मुझे आप पूरे मेरी बात सुन रहे थे कोई भी ठग भाई, एक बात मेरी सुन ले ठग भाई। देख अगर मैं तेरे ना हर चीज का जवाब दूंगा ना, मैं तेरे हर चीज का जवाब देने जाऊंगा ना, तो उसमें मेरी भी बेइज्जती होगी और तेरी भी बेइज्जती होगी। और पबजी कम्युनिटी और तेरे को सब क्लेरिफिकेशन करने का तो मैं करने को तैयार हूँ, बट आई वांट टू अवॉइड दैट। पैसे कमाने से नहीं है बेटा, अंकल एक बात मेरी सुन लीजिए, आप एक बात सुन लीजिए। देखिए अंकल, अगर आपको ये लगता है सब कुछ मैंने किया तो माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, आज से आपको ना मैं YouTube पे दिखूंगा ना मैं Instagram पे दिखूंगा। नहीं नहीं बट तू नहीं देखेगा, मेरी बात नहीं दिखूंगा मैं अंकल, सुनिए। मैं वैसा मैं नहीं कहता है, मेरे को किसी का नुकसान नहीं करने का है। ओवेस भी एक मैंने नहीं था, उसने सैक्रिफाइस किया, वाइपर रौनक भी 3-4 महीना सैक्रिफाइस किया, मैं करता हूँ 3 महीना सैक्रिफाइस, 4 महीना सैक्रिफाइस, 5 महीना सैक्रिफाइस, ठीक है? अभी 5 महीना मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ आपको। यार ये स्ट्रीम हम लोग सारी चीजें खत्म करने के लिए कर रहे हैं, हाँ खत्म ही कर रहा हूँ मैं, उसलिए एक टू एक बात बोल रहा हूँ। इफ अंकल थिंग्स आई एम एट फॉल्ट एंड एवरीवन थिंग्स आई एम नॉट टेलिंग, आई एम टेलिंग वन सिस्टमैटिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इफ यू हैव अ पायर लीडिंग दिस सिस्टमैटिक प्रोसेस टू रेज अ प्रोपेगेंडा नेटिक एंड इट्स प्लेयर्स, तो अंकल फॉर द नेक्स्ट 4-5 months यू वोंट फाइंड मी ऑन YouTube, यू वोंट फाइंड मी ऑन Instagram, ठीक है? अरे बाबा आई फील दैट आई अंकल देयर इज नो मुझे क्लेवर पर्सन लाइक यू, अ क्लेवर पर्सन लाइक यू, यू विल नॉट स्ट्रीम, देन आल्सो दिस प्रोपेगेंडा विल गो। अब अंकल व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट इज, सॉल्यूशन इज दैट मॉडल should with heartly should come here and in every stream he should, you should guide his audience that please if you are my followers you should stop blaming anybody, okay? You should stop abusing anybody, so, or you should stop mortal ko bol do aap nahi to are bhai dekh jab wiper hai na hamare sath tha aur sunday ko uska baap uski maa मेरी बीबी रौनक की माँ और रौनक का डैडी जब मिलने वाला था ना, तो तुम लोग ने 45,000 रुपया वाइपर को दिया है सुपर चैट में, हाँ मेरे पास उसका प्रूफ है।
45,000 rupees new people have spent on him. Don't think that I am a fool, Mr. Thug. You have the power. You don't run away from that power. And it is my humble request that please, for God's sake, for the community of the PUBG, अगर मन में है, अगर मैंने अभी क्या मन में प्रूफ करूं, बताओ 45,000 दिया मैंने गलत है सर, सुपर चैट में 45,000 दिया कि दो घंटे का वो वाइपर की जिंदगी में उसको 45,000 नहीं देगा था। सुपर चैट तो मैं कम्युनिटी में कितने लोग को करता हूँ अंकल, जिससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। 45,000 किसको दिया है दो घंटे में अंकल? उस रात था क्या बात करता है, तू जास्ती बात करेगा ना तू फंसेगा। मैं चाहता हूँ सॉल्व हो जाए, फंसा ही दिया अंकल आपने। मैं चाहता हूँ कि तू ये बंद कर दे, अगर तू दिल से भी बंद कर देगा, मॉडल भी, ये सब अपने अपने ऑडियंस को बोलेगा कि किसी को हेट मत करो, प्लीज किसी को हेट मत करो। हमने किसी को हेट नहीं किया है, हमने कभी मॉडल के बारे में कभी गाली गलौज नहीं किया, हमने कभी स्ट्रीम पे तेरे को कुछ भरा बुरा नहीं बोला, हमने कभी वाइपर को भी नहीं बोला, किसी को नहीं बोला है। आप लोग भी मत बोलो, आप लोग भी सुकून से खेलो और हम लोग को भी सुकून से खेलने दो। डेफिनेटली अंकल, हम लोग भी यही चाहते हैं, सब अपने पीस में रहे। अच्छा हुआ 10 महीने बाद बात उठी एंड वी के हमको नहीं उठाने का था, हमको नहीं उठाने का था। अंकल अंकल सुनिए, हमारा के पास एक ही लाइफ है। नहीं नहीं, हमारा हमारा थग भाई साहब, हमको ये उठाने का नहीं था। हमारे टीम में एक ऐसा पैदल प्लेयर है रौनक, जो इसको दिमाग में इसका भूसा भर गया है और उसका गेम पे इफेक्ट हो रहा है। अच्छा हमने इसके और मारेगा ये बंदों को, बात खत्म। ये इसने इसको इतना हार्डली ले लिया है, कब उठाएगा? हम लोग आपको कुछ भी नहीं बोलते थे, ठीक है? उठाने की ताकत रखता हूँ भाई, और तो भाई उठाने की ताकत रखता है तो बस उठाना इस बार भी जाके, बस उसके बाद में। हाँ, पीएमएस उठाया था, और अभी मैं तुझे चैलेंज नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव इट इन यू। नहीं, ये चैलेंज है, यू नो इट, यू हैव इट इन यू, ठीक है? तो जस्ट डू इट। I wish everyone all the best. सब लोग you know stay एक साथ रहो, अगर you चलो ठीक है, कम्युनिटी करते रहो ना यार, खेलो आपस में, मोहब्बत रखो। ये तो गेम है, किसी का भी हार जीत होगा। गेम तो अंकल दो साल में खत्म भी हो जाए, क्या पता। हम आपस में एक दूसरे को क्यों हेट दिलवा रहे, हम आपस में एक दूसरे का पैर क्यों खींच रहे भाई? जिसको मौका मिलेगा, जो जिस तरीके से कमाएगा, खाएगा, पिएगा, मजा करेगा। ओके अंकल, चलो ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट एंड आई अपोलोजाइज टू यू अंकल एंड रौनक एंड ओवेस। तुम लोगों को मेरे वजह से जो भी हेट मिला, मे बी इंटेंशन नहीं था, बट चलो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। एंड चलो ठीक है अंकल, आप भी अब रेस्ट ले लो, इट्स वेरी लेट। This is the last conversation which we will be doing. Henceforth, there will be no conversation on Soul Team, Fanatic or all these issues. Everybody has its right. ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मेरे बेटा, ये PUBG कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। I'll try to change uncle for sure. And I bless you that you have a brain, you can progress without taking any other path also. समझा कि नहीं? हाँ, ठीक है। तेरे पास दिमाग है, तू दिमाग से पैसा कमाएगा और भी कमाएगा, और तेरे लिए लाइफ बहुत आगे है, ये कुछ एंड नहीं है, आप समझे कि नहीं? चलिए तो अभी my blessing is with you, but please 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 don't indulge in anybody's, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को हर्ट करने के काम में मत रहो, नहीं तो कुदरत एक दिन तुमको हर्ट भी लाएगा। हाँ चलिए ठीक है, घातक भाई थैंक यू, घातक भाई थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। हाँ अंकल, तक भाई तुम भी बोलो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, रुको तो बोला घातक भाई, मैं गलत हूं भाई। नहीं तुम गलत, तुम गलत नहीं हो, सुनो तुमने जो कहा घातक भाई, मेरी मैं गलत हूं, जनता ने भी जज किया मैं गलत हूं, और अंकल इतने बड़े अंकल बोल रहे हैं। नहीं सुनो अंकल के पास प्रूफ भी है। नहीं अरे वो बात ठीक है, चलो वो बात ठीक है, वहां पे अंकल सही है, रौनक सही है, ओवेस सही है, पर ई-स्पोर्ट्स का जो नॉलेज है ना, उसमें जो चीज है वो बताओ। देखो घातक भाई मैं एक बात बोलता हूं, सिड बोलेगा 2 मिनट रुको, ए सिड सिड 2 मिनट रुको, आप कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, सिड बोलेगा।
सिड, सिड को बोलो जल्दी। यहाँ पे ना एक बंदा है सिड, हमारा जो मैनेजर एंटिटी का, टीएसएम एंटिटी का, वो बंदे को सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, वो बताएगा ईस्पोर्ट्स कैसे वर्क करता है, सारी चीजें बताएगा कैसे क्या आता है। सिड भाई किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है भाई, हेट अभी ये लोग बहुत टाइम से लेते आ रहे, स्काउट लेते आ रहा है, रोनक लेते आ रहा है, ओवेस लेते आ रहा है। मुझे अभी दो दिन में ये जो वीडियो, जो अनवांटेड वीडियो निकला, कहीं से फालतू का वीडियो निकल के आया, तब से मेरे को पता चला भाई इन लोगों पे क्या गुजरी होगी। और ऐसा नहीं है कि थक को नहीं मिला, थक को पहले भी मिला और अभी बहुत ज्यादा फालतू में मिल रहा है, फालतू में मेरे को मतलब का ठीक है ठीक है। अभी ठीक है, अंकल ने बातें कही, ओवेस ने बातें कही, रोनक ने कल रात को बातें कही, अभी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, रोनक को भी गालियां पड़ रही है, थक को भी गालियां पड़ रही है। हाँ सुनो, सिंपल सी बात है, हाँ। अभी सबने सबको साथ में रहना, यहाँ से कोई भाग वही 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 चलिए, एवरीवन हैव टू कम टू अ पॉइंट वेयर वी हैव अ सॉल्यूशन एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, नए बंदे ऐड होते हैं, एंड मेरे ख्याल से जो भी गलती होगी थग ने मानी है, एंड वो आगे अपने ऊपर काम करेगा, ठीक है। एंड जो भी एक्सप्रेसिड किसी से भी गलती हो, सबको अपने मन के अंदर पता है कि मैंने कहाँ गलती करी, बट वो ये कि सब अपने अंदर रखते हैं, कोई सामने से अपोलोजाइज। बट अब मेरी ख्याल से जो एक चेंज होगा, इट विल बी अ गुड वन, बट एक सिंपल सी बात है, कोई भी अगर किसी को भी बुरा लगे ना, अगर उस टाइम पे जाके अगर आप बोल दोगे, मेरी ख्याल से वहां से तीसरे बंदे के पास वो बात जाने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर वो एक चीज सबके अंदर आ गई, अब अपने अंदर रखोगे ना, वो बिल्ड होती है चीज। बात वही पे है, मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या, गलत साबित हो जाता है। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मेरे पास है दिमाग, अगर पता है उसको कि, और उसके पास है ही दिमाग, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं वो दिमाग का, कि भाई थक के पास इतना दिमाग है कि घंटा किसी को पता नहीं था स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में कैसा पैसा कमाया जाता है, क्या कमाया जाता है, कितना किसको दिया जाता है, ये सारी चीजें उसमें है। उसने खुद को पहले से ही देखा है कि भाई मेरे को स्पोर्ट्स में ओनर बनना है। और थक ने उस दिन मेरे साथ बात करी थी, वो बात में उसने कहा था कोई एक कंपनी है बाहर की, उसके जैसा मेरे को करना है और मैं सबको उसमें हेल्प करूंगा ग्रो करने में। कोई सी कंपनी, मेरे को कंपनी का नाम नहीं, कोई कंपनी का नाम 100 ट्यूब्स, मैं बोला था मुझे इंडिया का 100 ट्यूब्स बनना है। हां, तो ये बात बोली थी कि 100 ट्यूब्स बनने का है मेरे पास, और है कोई कम्युनिटी में ऐसा एक भी बंदा नहीं है। आज इतना सारा इशू होके भी अंकल खुद बोल रहे हैं कि भाई हाँ, ये बंदे में सबसे ज्यादा दिमाग है कम्युनिटी में, और इसको बिजनेस कैसा करते हैं ये पता है, और ये अच्छी बात है। इंडिया में ये कंपनीज क्यों आ रही है, सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। ये जो फनाटिक आई, पोटेंशियल दिख रहा है, एग्जैक्टली टीएसएम आई, सबको पोटेंशियल दिख रहा है, सबको ये टीएसएम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड यू कैन से टॉप ई-स्पोर्ट्स कंपनी में से। अगर वो लोग इंडिया को टारगेट करते हैं, उनको पता है कि कितनी बड़ी ऑडियंस है, वही एक हमारे हाथ में इतनी बड़ी पावर है जो हम लोग सब बांट के। तो अभी अभी सुनो अभी क्या है, अभी ये जो मैं बोला ना थोड़ी देर पहले, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यही सिर्फ हेट फैलाएंगे, यही गालियां देंगे, पर जो मैच्योर कम्युनिटी में ऑडियंस है ना, मैच्योर ऑडियंस जो जिनको कम्युनिटी में नाम कमाना चाहिए, इसमें से पॉजिटिव चीज लेंगे कि भाई यहाँ पे ना थक गलत है, ना रोनक गलत है, ना ओवेस गलत है, इनकी जो गिले शिकवे थे पहले वाले वो अभी यहाँ पे आके क्लियर हुई है, बहुत दिनों से मन में था सब सारी चीजें। और यहाँ पे ठीक है, चलो ओवेस गलत नहीं है, रोनक गलत नहीं है, अंकल ने बोल दिया, थक बोल दिया कि ठीक है मेरी गलती थी, लेकिन थक ने क्या सोचा है, थक ने उसके बारे में सोचा कि भाई मेरे को 100 ट्यूज बनना है इंडिया का, मुझे ऐसा एम्पायर खड़ा करना है भाई जिसमें मैं जो भी इन्फ्लुएंसर्स है उनको मैं मैनेज करूंगा, ठीक है, जो मैं करूंगा अभी घातक भाई, कभी ना कभी पक्का करोगे, कभी ना कभी। बट किसी को तोड़ के नहीं किया जाता है वो चीज, ठीक है घातक भाई, किसी को तोड़ के नहीं किया, अभी नहीं होगा। रोनक उसने बोल दिया, सुन रोनक अभी दो मिनट सुन, ये देख इतना भी नहीं रहे, कल भी हो गया, आज भी हो गया, ये इसका ये स्ट्रीम क्यों कर रहा हूँ भाई मैं, भाई मेरी गांड चलती है मालूम है क्या, मैं सीधा बोलता हूँ भाई। उस दिन वो जो जिम कर बैठे अपन गए थे ना, उस दिन सब लोगों ने अपना अपना एक ये दिया था, वो दिन कैमरा भी नहीं था, कैमरा के पीछे भी मैं बोला था कि भाई सबको साथ मिलकर काम कर रहा है, तुम सब थे जितने भी डिस्कॉर्ड पे बैठे ना अभी, उसमें से भाई 10 बंदे तो थे उधर, उनके सामने मैंने बोला, कैमरा के सामने नहीं बोला था, मैंने कैमरा के पीछे बोला था कि भाई सबको साथ में मिलकर काम करना है, और ये लोग अपने लोग लड़ेंगे ना भाई, मजे लेंगे, ये पिकाचू लोग अपने जो बोलते ना अपने 14-15 साल के पोगो देखने वाले बंदे, वो लोग मजे लेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, अपने को पता है कि क्या है। अभी भी यहाँ पे किसी के लिए हेट हो तो भाई एक बार प्लीज फालतू में भाई क्यों, क्या रीजन भाई, मेरे किसी को नहीं, क्योंकि किसी के साथ भी बैठते रहते हैं, तीसरे बंदे कुछ बोलता है जो हमारे ही दोस्त है, हाँ तो बुरा लगता है। मुझे 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 एक समझ में आता, कॉमन सेंस की बात है, रोनक ना ओवेस इतने टाइम से कुछ बोले, ठीक है ना थक कुछ बोला, इंटरनली बातें चलती रही, सबको गुस्सा आता रहा, ओपनली स्ट्रीम पे किसी ने कुछ बोला नहीं, या फिर रोकने के लिए भी नहीं कहा कि भाई यार हेट रोक दो, ठीक है, पर ये इंटरनली बात है, गुस्सा चढ़ता गया, ये करता गया, आज खुली बात है। और चलो ठीक है, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी,
मैं यही बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे टॉपिक एंड होता है और मैच्योर जो कम्युनिटी में बंदे हैं ना वो आके अप्रिशिएट ही करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बंदे, हाँ एक बंदा आके बोलेगा कि भाई इसका ऐसा है तो सब्सक्राइबर उसके 2-3 हज़ार से घट जाएंगे, फॉलोअर्स उसके 2-3 हज़ार से घट जाएंगे। भाई क्या क्यों भाई काम करो अपने भाई, मेरे को समझ नहीं आता लोगों को टाइम कैसे मिल जाता है हेट करने के लिए। एग्जैक्टली वही भाई, ये कोरोना के वजह से ज्यादा टाइम मिल रहा है ना, इसके वजह से तो ये दिमाग में आ रहा है अभी सबके, बैठ बैठ के दिमाग में ऐसी चीज आती है भाई, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते ना, अभी करने के लिए कुछ नहीं है। तो देखो घातक भाई एक ही चीज है, खाली एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे को एक फ्रेश स्टार्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मेरे अंदर जो कुछ भी मैंने अंदर रखा था इतने टाइम से, मैंने बहुत बार ट्राई किया, ये तुमको ही मालूम है घातक भाई, मैंने कितनी बार ट्राई किया इनसे बात करने का लेकिन ये लोग बात नहीं करते थे, बट ठीक वो सब चीज हट गई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल फ्रेंडशिप रहेगी बस और कुछ नहीं, किसी के लिए कुछ हेट नहीं, जो कुछ भी हुआ पास में, मेरे को सिर्फ एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, बस नॉर्मल फ्रेंडशिप जो अपनी जगह सही है, खुश रहो बट एटलीस्ट दोस्त बन के रहो, क्योंकि जितना भी कुछ अचीव किया है भाई साथ में जो कुछ भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी वो चीज सॉर्ट हो सकती है, मैंने कितनी बार ट्राई की, कितनी बार करूं मैं ट्राई, इस बार अभी भी मैं रेडी हूँ, इनफैक्ट अभी भी मैं रेडी हूँ, थक तो तेरे मॉर्टल वाइपर पर सब क्या सॉर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनते ही नहीं थे मेरी बात, तो मैं क्या करूं भाई। ओ, होता है यार, क्या बोलूं अभी। पर ये देखो अभी सारी चीजों को यही है कंक्लूजन कि भाई ये देखो सारी चीजें अभी सबके सामने है, और इसमें ठग ने जो सोचा कि भाई मुझे कमाना है, मुझे ये सब बनाना है, एम्पायर बनाना है मेरे को, वो जो कंपनी बनानी है जैसे भी इंडिया में बनानी है, ई स्पोर्ट्स सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है भाई, सब लोग जितने भी बंदे बैठे ना और जो नहीं भी बैठे बाहर भी है, मतलब बहुत सारी कम्युनिटी में अपने बंदे और जो नए भी आ रहे हैं, सबका मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन है जो ई स्पोर्ट्स अपना आगे जा रहा है, ठीक है, और ये जो सारी कंपनीज बड़ी बड़ी आ रही है ना इंडिया में, तो इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा तुम लोगों का है जिन लोगों ने पहले मतलब ये जो प्लेटफॉर्म दिया ना, मतलब ये ट्रॉफीज भी जीती तुम लोगों ने, जो मतलब पहले मतलब हाइप क्रिएट की और जिसके वजह से लोगों को मतलब तुम लोगों ने अच्छा गाइडेंस दिया स्टार्टिंग में। एग्जैक्टली वो तो मेन चीज थी, वो तो मतलब वो अच्छी चीज थी, पर वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा एक्सप्लोड हो गई और लोगों के दिमाग उल्टे सीधे चलना चालू हो गए, तो लोग बात पता गया भाई। मैं बताता हूं सर, बात ये है कि पहले हम सब अनऑर्गेनाइज थे, हम सब फन के लिए गए, अब एकदम से बूम हुआ और हम ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, ठीक है, बहुत प्रोफेशनल हो रहे हैं, सब है, सब जगह इकोनॉमी का मार्केट, बट एक अपना इंडिया का सबसे बड़ा असूल भाई, सबसे बड़ी पावर इमोशंस है ना, ठीक है, यही वो तभी तो भाई ये ब्रिटिश, चलो छोड़ो मैं क्या बोलूं, पुराना टाइम इंडिया का था, सोने की चिड़िया, वो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, अब वही है आज की मीटिंग से, आज की हम मतलब सब कैसे एक चीज होगी कि हम ना ऑर्गेनाइज के साथ साथ यूनाइट भी हो, ठीक है, और आने वाले टाइम में ना साथ रहेंगे, वही करना है ब्रो, वही करना है किसी सुन यहाँ पे क्या सीन हुआ है मालूम है क्या, ये सब सारे मैटर में सीन क्या हुआ मालूम है क्या, सब लोगों ने अपने साइड से अच्छा सोचा, ठग ने भी उसके साइड से अच्छा सोचा, उसने क्या दिमाग लगाया, मेरे को कंपनी बनानी है तो मैं ओनर रहूंगा कंपनी का, मतलब उसने बनाया नहीं खुद को, लेकिन उसने सोचा कि भाई मैं ओनर रहूंगा और मेरे को आगे जाके ये जो भी एम्पायर खड़ा करने का है स्पोर्ट्स को, जो 100 थ्यूज वो जो भी बने, उसके उसका जो सपना है, सबके सपने रहते हैं, उसने जो सपना रखा था उसका सपना, वो सपने देखना क्या गलत बात है, और उसने उसपे ये भी किया, काम भी किया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो एग्जीक्यूट भी किया प्लान, और वो अच्छा खासा आगे जा रहा है, उसमें दिमाग भी है वो सारी चीजों में, ऑब्वियसली भाई ये सारा ऐसा दिमाग सबको नहीं मिलता है भाई, ऐसा दिमाग सबको नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें अभी क्लियर कर लो भाई, बस अपने को एक साफ सुथरी कम्युनिटी चाहिए, मजे लेने वाले बच्चे मजे लेने आते हैं, और अभी सारी ओनर्स की परसेंटेज क्या हेलो गोल्डी भाई क्या बोल रहे थे, हेलो नहीं किसी और ने बोला, किसी और ने बोला, गोल्डी भाई का आवाज नहीं था, कौन बोलो क्या बोल रहे थे, हेलो खूब अब बोलो, अब मैं देख रहा हूँ किसने, हाँ तो वही है, मैं वही बस बोलना चाहता हूँ कि किसी को हेड देने की कुछ जरूरत नहीं है, कम्युनिटी सिर्फ प्लेयर से नहीं चलती, कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें आती है, और अभी जिस हिसाब से सब जीफर भाई ने जैसे कहा ऑर्गेनाइज होके चल रही है सारी चीजें, तो भाई सिंपल लॉजिक है, अभी बहुत सारी चीजें मतलब आने वाली है, बहुत छोटी छोटी चीजें, पहले तो किसी को पता भी नहीं था भाई कोच आएगा पबजी के लिए, मैनेजर आएगा, ये आएगा वो आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी, तो ये अभी स्लोली स्लोली आ रहा है, इस पर घूम रहा है। मैं कुछ और एक थोड़ा सा इधर उधर की बातें आपको बताता हूँ, ठीक है, आपने जो बात बोला सब सही, अब मैं एक बात और बोलता हूँ, 1.5 साल से पबजी चल रही है, ठीक है, सब बहुत आगे आ चुके हैं, सब अपने लाइफ में सेट है, ठीक है, बस कम्युनिटी में एक चीज जो मैं एकदम ऑन पेज बोल रहा हूँ,
कोई दूसरा अगर पैसा कमाए ना तो ये चीज ये चीज मैं बहुत लोग को टारगेट करके बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई दूसरा अगर पैसा कमा रहा है और वो किसी के दिमाग से कमा रहा है तो वो दिमाग वाले को उसका शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात मैं आगे के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि, और ये बात मैं अभी लास्ट 4 महीने में जो चीज मेरे भी कान में बहुत बात आती है, अगर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है तो भाई वो बिजनेस नहीं समझता। और हाँ, किसी को अगर ये बात समझ में लगता है कि भाई मैं बिजनेसमैन हूं या कुछ हूं, तो भाई आज के दिन अगर सोल है तो मेरे वजह से है, कोई लाइनअप नहीं है। आप लोग को लगता है, सामने वाला को लगता है, चलो मैं एक्सेप्ट कर लिया, वो भी मेरे वजह से नहीं है। लेकिन आज अगर सोल है भी ना तो वो भी सिर्फ मेरे वजह से है, ठीक है। मैं ये चीज हमेशा प्राउडली बोलूंगा, रौनक ओवेस आई एम वेरी सॉरी, मेरे वजह से तुम लोग का लाइफ इतना इम्पैक्ट हुआ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था भाई, कि हमको नहीं पता था कि तुम लोग इतना कुछ चल रहा है। लाइक ओवेस का तुमको एकदम भी भाई, सच्ची बोल रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रौनक तेरा स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। तेरा मुझे लगता था, बट मुझे लगता था कि तेरे को हमारे से इतना इफेक्ट हो रहा है, आई फेल्ट योर ओन टीम से तुझे ज्यादा इफेक्ट हो रहा होगा, बट आई बिलीव कि तुझे हमारे से इतना इफेक्ट हो रहा था। तो सिंगल मैन पूरा एस्टेट व्हील की तरफ से तुझे मैं सॉरी बोल रहा हूँ। देख रौनक, दोस्ती मेरी और तेरी तो अब नहीं हो सकती, पर बाकी में पहले ये बात भी तेरे को लग रहा है मेरा दोस्ती रोका हुआ था, नहीं था। आज भी जाके तू उनसे बात कर ले, जो भी वट एवर, ऑब्वियसली इट्स योर कॉल, मेरी और तेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, एकदम ओपन बोल रहा हूँ जो बात। तो भाई देख, अब तू भी समझता है, बात बहुत ज्यादा खराब हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं ना भाई। हाँ, मुझे को मैंने सबका बनता है, एक और बार दोस्त का हाथ बढ़ा भाई, मेरी बात तो सुन ले, तू बोला मैं कुछ नहीं बोला, इतना मेरी बात सुन ले, ठीक है। मेरी और तेरी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, पर मिलेंगे तो भाई हंसी मजाक कर लिए 4-5 दिन, दैट्स इट। बट वही है कि भाई आप सब लोग अपने अपने लाइफ में बहुत मस्त मक्खन चल रहे हो। मेरा करियर यूट्यूब का यहाँ से खत्म हो जाए, हो जाए, कोई बात नहीं गाइस, या ये ऑडियंस इसका जज है, ठीक है। अरे घातक भाई सुनो, इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट करते थे मेरे फोटो पे, मेरे हाइट किया है, मुझे पता है वो भाई स्पोर्ट्स लवर नहीं है, वो लोग टॉक्सिक है, ठीक है। लेकिन लेकिन गाइस मैं बोल रहा हूँ, 5 साल बाद भी ना मैं आपको बोलूंगा स्पोर्ट्स को एक बंदा खड़ा रहना, चाहे मुझे अपना सब कुछ ऑफ कर देना पड़े, क्योंकि भाई ये मेरे लिए धंधा बोलो, नशा बोलो, स्पोर्ट्स मेरे लिए नशा है और ये नशा मैं रोज करता हूँ और मैं करते रहूंगा। लेकिन इस प्रोसेस में मेरे से अभी तक कोई गिला शिकवा हुआ, किसी के साथ मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। आई होप थिंग्स एंड हियर एंड ये सब बातें भुला के लेट्स गो मूव फॉरवर्ड, सीधी बात ब्रो। भाई किसी को कुछ और बोलना है? गोल्डी भाई नहीं, बस मेरा मेरी बस यही बात है कि वही जो घातक भाई आपने इनिशिएटिव लिया, सबको घातक भाई लव यू, एक ही चीज है कि नहीं रहना उनको, स्टार्टिंग से साथ में नहीं रहना है बस। अब इसके आगे, इसके आगे मैं भी कोई स्टेप नहीं लूंगा, आप भी मतलब, क्योंकि आपको भी समझ गया है कि नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता, वो लोग को नहीं करना है, तो बस सिंपल वो लोग मत बोल, देख यही तेरा देख यार, तो जैसे के लिए कहा ना, मैंने बोला मुझे नहीं रहना, वो तो तुम साथ में ही ना यार, अरे यार यही तुम सारे सुनो रौनक, एक बात बता कि मैं तुम्हारे सबसे अल्टीमेटली बात करता हूं, मेरी घात भाई से अच्छे से बात हो, ठीक है, गाड़ी पर चलो, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम लोग छोड़ देते रौनक, रौनक भाई, रौनक भाई, रौनक भाई आप बोलते हो तो हम लोग छोड़ देते हैं। गोल्डी भाई उनको सुन नहीं रहा एक्चुअली, तो बाकी बात ये देखो यार, हमने अपना अपना टाइम निकाला, हम यहाँ बैठे इतने आए, ठीक है। बेसिकली लास्ट में जाते जाते अगर हम ये चीज करेंगे तो भाई वो बहुत गलत इम्पैक्ट देगी यार। देख भाई देखो, एक चीज होती है कि भाई चुप रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ठीक है अब एक हाथ से ताली बजती नहीं, सबको बताया, लेकिन आगे हम यही करेंगे भाई, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जो मैं बहुत लोग है, बहुत फैमिली की तरह लेके चलते ना भैया, क्यों मतलब ठीक है मानता हूं अंदर रहेगा, एक चीज बताऊं अगर ये बात बोलेंगे भी नहीं ना हम, तो सब जानते हैं कि अंदर अंदर वो इश्यूज रहते हैं, ठीक है, एक बार वो चीज हो जाती है, बट समझदारी इसी में ही होती है कि भाई उस चीज को अंदर रखें और उस चीज को इम्पैक्ट नहीं होने दें। लेकिन अभी अंदर रही नहीं, इसे ये चीज जरूर होगी ना भाई कि एटलीस्ट आने वाले टाइम में हम साथ रहें, मैं यही चाहता हूँ भाई, सब ये चाहते हैं, प्लीज यार सर, तू कहे तो मैं हाथ जोड़ लूंगा भाई, रौनक तू भी भाई प्लीज यार, ऐसे मत बोलो यार प्लीज, एट लास्ट
वही चाहिए यार अभी यार। समझते हो ना, सुनो सुनो, छोटा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं थक भाई, नहीं नहीं दो मिनट थक भाई, थक भाई। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, आप कमेंट देखो, अभी जाके आप कमेंट देखो, जिसको जो चीज समझनी चाहिए थी आपने जो बात बोली, रौनक ने बोली, ओएस ने बोली, सब लोग अभी हार्ड स्पैम कर रहे हैं और अच्छा ही बोल रहे हैं सबके बारे में, आपके बारे में कुछ कोई गलत नहीं बोल रहा। अभी जाके आप चैट देखो, मैंने कुछ बोला भी नहीं किसी को, आप जाके चैट पढ़ो, सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं भाई, कुछ नहीं है। जो अभी मेरे को गाली नहीं दे रही बस स्ट्रीम पे, अबे देखो छोटे बच्चे ना, जो छोटे बच्चे ना जो गालियां फैलाने वाले, वही तो गालियां देते रहेंगे भाई, उनको देना ही है। सुनो घातक बात सुनो। अच्छा खाली एक एक बात सुन लो गाइस प्लीज, खाली एक बार ना, एक बार ना इसकी मेरे भाई की ना बात सुन लो कि क्या वो बोलना चाहते। सुन हेलो, हाँ ब्रो, घातक भाई मैं रौनक का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, और तक तो मेरे को जानता ही है तक। हाँ, कैसा है मेरा भाई, क्या खबर, बढ़िया बताओ। बस बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। तक ये जो चीज है ना सुन के, जो अभी फिलहाल जो बात चल रही थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इमेच्योरिटी बात चल रही थी। अच्छा। मैं तेरी बात से सहमत हूँ, मैं घातक भाई पूरा सहमत हूँ कि ये इमेच्योरिटी, सबसे पहली बात ना, सबसे पहली जिनको हम अपन सामने अगर एक दूसरे को चेहरे से देख के नफरत करेंगे ना, तो वो चीज गेम में तो और रेज होगी। मतलब कैसे होगा वो ना, मन में ना एक भड़ास हो जाएगी। एंटिटी यहाँ पे जब मारती है, मैं तो जाके इनकी गेम खराब करूंगा, अभी ये टॉप में आ रहे तो। हाँ। ऐसा नहीं होगा कि गेम में जाके करना है, कैसे रहेगा, पर्सनल ग्रज है, टू बी वेरी एंड। हमको साथ में जाके आखिर में हमें ही खेलना है, हम एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, हम एक दूसरे को टकराएंगे, टूर्नामेंट्स में मिलेंगे, सब करेंगे। तो इसमें ये है ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर दोस्ती मतलब दिल से नहीं रख पा रहे ना, पर फिलहाल जॉब के हिसाब से इसको एक जॉब लेते हैं हम यार, हम जॉब के हिसाब से हमें अगर साथ में रहना है तो हमें एक दूसरे की दोस्ती तो रखनी पड़ेगी। कोलिग्स के साथ मैं यही बोला ना, मैं यही बोला कि कोलिग्स रहेंगे मे बी आप दोस्ती, क्योंकि देखिए अगर आपसे तो भी गलत ही लेवल की हमारी लात, नवंबर तक हमारी बात हुई ठीक है, और अभी शायद फरवरी में भी बात हुई थी एक दिन, है ना जी। तो वही आपको गगन भैया पता ही है, चलो अब आपको क्या ही बताना, सारा बात ही बता, बट वही है कि चलो गगन भैया कोई नहीं, हो गया लैटिन भी नहीं, हो गया इसके लिए थक, मैं बोल रहा हूं इसके लिए हो गया, पर ये नहीं हो गया, मतलब कि इन द सेंस ये है कि वही बात है ना कि लेट्स स्टे प्रोफेशनल अबाउट इट ठीक है। फॉर माय मेरा पीओवी है, मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं नहीं बोलना चाहूंगा ऐसा चीज, मैं फिर से ये चीज नहीं करना चाहता कि इसको लगे मैं मन से नहीं रख रहा हूँ, मन से नहीं रख रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि मैं अब यहाँ से हो सकता है बहुत टाइम के लिए ऑफ हो जाओ, एकदम बैकडाउन, नहीं 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 नहीं, एक बात बताऊँ शुरू से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी में बुराई होती है ना तो अच्छाई भी हो, और मैं तेरी मैं एज अ बड़ा भाई, मैं उसका बड़ा, मैं तेरी अच्छाई बोलता हूँ कि थक एक तू था जब इन्होंने शुरू की ना इन टूर्नामेंट, तो मैं मेरे को पता है शुरू से मैं तेरे को देखा है, बाद में कैसी हुई चीज की वो जो चीजें होती है तूने अपने दिमाग से खेली, वो छोटे थॉट वाले उनको नहीं समझ आई वो चीज की, तो क्या करना चाह रहा था क्या हुआ, और फिर उनके मन में जो भड़ास थी जैसे थी वो थी वो निकली। ये बात सबसे पॉइंट वाली बात है भाई, कि उनका सोचने का नजरिया जो ओवेस का और रौनक का और अंकल का, मतलब जो भी सोच रहे थे, और वो और थक का जो नजरिया था वो मैच नहीं हुआ, इसके वजह से exactly. ये मैच नहीं हुआ exactly. इसलिए बन रही है। थक को चाहिए था कि मुझे ओनर बनना है और मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, और ओवेस रौनक के दिमाग में था कि हम लोगों ने साथ में मिलकर बनाया तो हम लोगों को सेम चाहिए सब कुछ, तो ये इन्होंने घातक भाई, इनके घातक भाई मन में ये था, इनके मन में ये था कि अगर टीम में, मतलब बेसिकली मैं इनका थॉट बता रहा हूँ, इनके मन में क्या था कि चाहे मैं कच्चा लिंबू हूँ चाहे मैं गेम में प्रो हूं, पर मेरा दोस्त है तू, मैं तेरे साथ ही खेलूंगा। हाँ। और इन्होंने एज अ फन चालू किया था गेम, सही है, तो इनके मन में ना वो एक इम्पैक्ट हो गया था कि जब मैं फन के हिसाब से खेल रहा था और मैं इतने प्लेटफॉर्म पे आके मैं जीता, और अब अगर मेरी थोड़ी परफॉर्मेंस बुरी हो गई है तो मेरे को जज क्यों कर रहे हो यार, पहले तुम मेरे दोस्त हो गेम के पहले, तो वो छोटे एज में यार उनको थोड़ा, तुम घातक भाई आप बड़े हो तक तू भी बड़ा है, तो देखो वो चीज थोड़ी समझनी चाहिए थी। और उसने जो कल बोला, मैं देखो 101% बोलता हूँ 101% कि उसका एक लेवल का भड़ास था, और उसके बाद वो जो रोया है, जो रोया है भाई गगन, और उसने गगन भाई गिल्ट फील हुआ उसको, कसम से तुमने आके ये होती है मैच्योरिटी भाई, ये होती है बात करने का, मतलब सब जो बात, तो एक सेकंड गगन भाई, अब एक सेकंड देखना, आपने मेरे वीडियो मैनेज किया, मैं बोला वो 6-7 महीना बाद जिस दिन रौनक और मेरे से मिलेगा वो बैठ के हंसेगा कि था हम लोग ने क्या किया, इतना तो मैं भी जानता हूँ एग्जैक्टली exactly, 6-7 महीने बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ 10 दिन के बाद, बात तो यही है ना। अरे लेकिन क्या होता है ना गगन भाई, यहाँ क्या हुआ, नुकसान किसी का नहीं हुआ, नुकसान क्या, क्योंकि देखिए सब अपने अपने जगह पे मस्त, नुकसान किसका हुआ, मेरा उसका, दैट्स इट, सब मजे ले गए,
कोई मजे नहीं ले रहा है नहीं अरे भाई यही तो कोई मजे नहीं ले रहा है कोई मजे नहीं ले रहा है ऑडियंस तो ले ही रही है ना ऑडियंस भाई ऑडियंस आप देखो ऑडियंस जाके आप देखो ना जाके आप चैट देखो पहले जो गालियां दे रहे थे वही हर स्पैम कर रहे हो वही सबका नाम लेके ओपी मेरा पॉइंट क्या है ना कि शायद ये बात अगर इनसाइड में भी सॉर्ट हो सकता तो बहुत अच्छा ठीक है आपने एक दो बात पते की बात की मुझे भी अच्छा लगा बाकी तो चलो हमेशा आपको एक ही बात बोलाऊं सब वैसे तो भाई है पर ठीक है एक बार रिश्ता दरार आया तो आगे देख लेंगे कैसे क्या होता है पर कोई नहीं चलो घातक भाई अच्छा हुआ आपने ये चीज पूरा लाया सामने चलो बढ़िया है मैं मतलब ये बोलना चाहता ऐसा ही है कि मतलब मैं बोलूं मैं तेरे को मन की एक बात बोलूंगा अगर ऐसा अगर तू जॉब देखेगा ना अभी अगर मेरे जॉब में एक बंदा गलत है ना तो मैं एटलीस्ट उसको कोई गलत बोल रहा है ना तो भले अगर मेरे को ही पता है कि वो गलत है ना पर मैं ट्राई करूंगा उसको बचाने के लिए कि भाई क्यों गलत बोल रहा है छोड़ दे इग्नोर कर वो सुधर जाएगा करेगा वो करेगा तो ओबिस के डैडी का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था ओबिस का डैडी सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना चाह रहे थे कि अगर कुछ भी तुम्हारे स्ट्रीम पे किसके खिलाफ भी कुछ बात हो रही है ना अपन आपस में बैठ के बात कर ले फोन पे बात करे पर्सनल फोन पे करे पर जनता को हम ये नहीं बताए कि हम बाहर दुश्मन है हमें जनता को बताना ही नहीं कि बाहर दुश्मन है हम अंदर मतलब हमें ये दिखाना है कि हम दोस्त है और हम है थग हम है अगर घातक अभी घातक भाई बीइंग एंटिटी प्लेयर वो इस सब चीज में क्यों इन्वॉल्व होंगे अगर वो दिखाया जाए वो अपनी लाइफ में सेट है उनकी टीएसएम सॉर्टेड है एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस कर रही है उन्हें इन सब चीज में बीच में क्यों आना है पर उन्होंने एफिशिएट लिया क्योंकि वो यूनाइट होकर चलना चाह रहे क्या पता अगले 6 महीने में फिर से कोई जिम कॉर्बेट जैसी ट्रिप हो हमें ये नहीं सोचना कि अरे मेरी इससे दुश्मनी चले यार मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ अरे ये उधर आ रहा है मेरे को उसके साथ नहीं आना है अबे चल छोड़ मतलब वो फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए किसी के अंदर मैं वो बोलना चाह रहा हूँ और तभी जो क्रिस्प है ना गेम का वो मजा आता है ये जो चीजें भाई वही है ना अरे जिम कॉर्बेट में हम कितना साथ में खेले थे थक से कितना प्यार से खेले हम लोग को कितना खेले थक भाई आप सच बताओ खेले भाई कैप्टन भाई हम लोग वो था हम लोग एक मैच था मैं और उबे तुमने कितना मस्ती किए जो भी किए सब किए वही बात है ना देखो मजा तो सब हम लोग करते ही है भाई बात है जिंदगी जब किसी का लो होता है ना तो भाई सबको सब बुरा भाई बुरा सबको इसलिए लग रहा है कि हम चाहते हैं हम सबके साथ रहे और रह नहीं पा रहे समझ रहे थग भाई बुरा इसलिए लग रहा है कि हम चाहते हैं कि हम हमारा मॉर्टल दोस्त बन जाए हमारा वाइपर फोर हमसे हमको नहीं था बट हमसे रौनक ने इतना ट्राई किया बट किसी ने उससे बात नहीं किया मेरा तो आज भी ये पॉइंट है थग मेरा ये हम लोग बोलो बोलो गगन भैया आपने मुझे पिछले चलो सोल टूटने के बाद आपने मुझे कितना बार फोन किया होगा कम से कम हमारी बात मैंने आपको किया आपने मेरे को किया हमारी तो मेरी तो एक बार स्ट्रीमिंग छोड़ के ऐसा हुआ कि मैंने आपका फोन नहीं उठाया हाँ, बैठ के अगर मेरे मन में भी नहीं था ना अगर मेरे मन से रौनक उतर भी गया था ना तो भी मैं सामने से प्रैक्टिकल बात हमेशा करता था और उसको समझाता जरूर था करेक्ट समझाता जरूर था चाहे मेरे मन से नहीं हो आप समझ रहे हो मन से नहीं भी होता था ना तो भी मैं उसको समझाता था क्योंकि वो मेरे पास सामने से आता था अरे था क्योंकि ये लैक ऑफ मैच्योरिटी है तो मैं देखो वो ही बोलना चाह रहा हूँ कि वही तो बात है ना पता है तेरे को पता है कि एक मुझे किस बात का हुआ ना अरे गगन किस बात का हुआ ना अंगुली उठाई गई सारे बुराइयां बताया गया किसने क्या अच्छा क्या वो कभी नहीं बताया जाता अरे तो थग मैं बोल रहा हूँ अरे अब मैं सच्चा बोल नहीं पाए अरे सबको वो तो अभी घातक भाई ने भी बोला कि उनको भी पता है बात वो नहीं है क्या होता है ना गगन भैया देखिए सब लोग से कुछ गलतियां होती है ठीक है मैंने भी जब सब कुछ स्टार्ट किया था एक बहुत सिंपल तरीका से किया था 1.5 साल अब जाके हुआ है मैंने भी सीखा सबने सीखा सब लोग सीखे सब कुछ हुआ बट पॉइंट इज कि भाई जब किसी पर अंगुली उठाते हो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन कल तो पूरा फ्रस्ट्रेशन वाला था मुझे भी पता कल मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया उसने भी बहुत कुछ बोल दिया पता है पर वही है गगन भैया की मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि भाई थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए भाई और यही बात है ठीक है देख अभी उसको मैं बोल रहा हूँ ना इन इन ये जो चीज से कल से जो कंट्रोवर्सी एक बनी ना काइंड ऑफ की जो मतलब अपन कम्युनिटी में किसको भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम फिलहाल अपनी गेम्स पे ध्यान दे रहे हैं और अपने गोल पे अचीव कर रहे हैं जो समझदार रहेंगे वो बोलेंगे कि चल फ्रस्ट्रेशन में बोला जो नहीं है वो तो गालियां दे कुछ भी करे हमको उससे फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है मेरा पॉइंट खाली ये कहना चाह रहा है कि थग जो तूने बोला कि दोस्ती नहीं हो सकती मेरे को तो ये बात बता दोस्ती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि गुस्से पुराना था अभी अगर तू कोई गर्लफ्रेंड मनाएगा तो तू उसको पास्ट पे हर बार जज करेगा तू हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से नफरत भी करेगा अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेगा तूने कल तक क्या किया आई डोंट केयर मेरे साथ तू आज से सही है ना आई केयर अबाउट दैट तो मैं यही बोल रहा हूँ हम सारे अगर कम्युनिटी में सब इतने बड़े बड़े लोग बैठे अगर हम ऐसा डिसीजन ले कि हम सब वापस से मतलब
भूल जाओ सारी चीजें, फिर से फ्रेश स्टार्ट देते, फिर से मतलब मैं अपना इंट्रोड्यूस करता हूँ, तू अनिमेश अग्रवाल, मैं गगन, हम इंट्रोड्यूस करके फिर से अपनी दोस्ती क्यों नहीं बना सकते यार? क्योंकि बुन तो एक ही बंदा का मारा गया ना, अब ये भी तो देखो। अरे भाई तो अभी लोगों को पता चल गया तुम्हारा मोटो क्या था और तुम उस पे काम कर रहे हो, ठीक है, वही बात है यार, बस वही बात है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो गलत बात नहीं है, वो अच्छी बात है, बट वो क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ बहुत बड़ा वो टाइम पे, मतलब कैसे था कि सबने सबने अपना घातक भाई सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मतलब मैंने थग अगर रौनक ने अपना गुस्सा बोला तो उसके थॉट ऑफ परसेप्शन से था कि ऐसे हुआ, पर थग ने अपना पॉइंट ऑफ रखा तो बेसिकली ताली एक हाथ से नहीं बजी है, ताली एक हाथ से नहीं बजी है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे आगे जाके ये बनना है, मुझे आगे जाके वो बनना है, तो ऑब्वियसली मैं वो प्लेटफॉर्म पे ही जाऊंगा ना कि भाई मुझे यहाँ पे ही जाना है, तो मैं उसी तरीके से काम करूंगा, तो थक उसी तरीके से काम कर रहा था। बट क्या सीन हुआ कि वहाँ पे रौनक ओवेस के दिमाग में अलग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने जो बोला कि हम हमारे हक का नहीं देंगे, तो उनको उनको भी वो टाइम पे उनका भी सही था कि भाई हाँ वो मेहनत कर रहे तो उनको नहीं देना था, बट थक क्या कर रहा था कि थक को बनाना था तो वो उसके हिसाब से चल रहा था, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये क्या हो रहा है वो फालतू में कल निकल गई सारी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी रौनक को ये देखो ये बंदे जो ये हेट दे रहे ना बंदे, इसके वजह से रौनक पे अफेक्ट हुआ वो चीज कि भाई फालतू में जाके बोल रहा है, कमेंट में जाके लोग ये बोलेंगे कि भाई रौनक, अरे रौनक का गेम प्ले मुझे पता है, सबको पता है रौनक क्या खेलता है कैसे खेलता है, पर क्या होता है हर बंदे का एक गेम स्टाइल अलग होता है। अभी अमन मेरे टीम में था, कोई भी इधर बोलेगा भाई अमन अभी भी मेरे टीम में, अमन तोड़ के मारता, लेकिन अमन का गेम प्ले एग्रेसिव है, अगर अमन अभी सोल में गया तो अमन वो टाइप का गेम प्ले नहीं कर पा रहा है, हर टीम का गेम स्टाइल अलग अलग होता है। रौनक मॉडल के साथ खेला था, ओवेस के साथ, उनका एक अलग सिनर्जी था। यहाँ पे स्काउट को क्या चाहिए कि एग्रेसिव टीम चाहिए, स्काउट के दिमाग में क्या है कि एग्रेसिव घुस के मारना है, तो वो दिमाग कभी कभी दो बंदों का नहीं मैच होता है, जब एग्रेसिव बनते अभी, अभी तो यही था ना घातक भाई, कैसे था कि अभी अभी कैसे हुआ, लोग मतलब बेसिकली लोगों को जो दिखता है वो बिकता है, लोगों ने सोचा कि स्काउट बेंच हो गया, स्काउट होगा, स्काउट बेंच नहीं होगा, स्काउट अभी भी की प्लेयर है टीम का, पर कैसा है कि अभी अगर मेरे को पैसिव खेलना है तो अगर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ तो हम दोनों को एक म्यूचुअल सोल्यूशन में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं मैं बोल सकता थक स्काउट तू पूरा स्लो हो जा या इन लोग को बोलूंगा एकदम से तुम स्काउट बन जाओ, वो सिचुएशन को कैसे करना है वो तुम डिसाइड करो टीम में रह के। तो उसमें क्या होता है कि लोग जनता जो बोलती है ना और लोग ये दिल पे लगा रहे हैं भाई, अपनी घर की बात घर पे रखो, एक बात तुम लोग समझ लो, नहीं मैं स्काउट को, नहीं स्काउट है ना ये, मैं अरे घातक भाई थक भाई सुनो, ये देखो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, हम तुम लोग एक बात बता, अच्छा अच्छा थक भाई थोड़ा अपना घर का बात घर पे रखो, ठीक है, बहुत बहुत मैडम बोले कि आज के दिन ना सबको लग रहा होगा इधर उधर सब टीम अपने में स्ट्रांग है, हम बोले प्लीज अपना घर का बात घर में रखो, जिसको समझाना है समझाओ, और अभी कोई बोलना मत मेरा टीम प्लेयर वो प्लेयर कर, प्लीज सबसे बेस्ट है वही मैं बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट है अपना घर का बात अपना में रखो, एक बार जाके वापस टीम मीटिंग करो, बहुत जरूरी है तुम लोग को, बहुत मतलब बोले सब हंसेगा अगर सब एक महीना बाद तुम लोग एक महीना तुम लोग टीम मीटिंग कर लो, एक साथ रह लो, एक महीना बाद सब खुशी खुशी अरे सब आप एक महीने की बात करो थक भाई, मैं अभी से बोल रहा हूँ अभी से, ये स्ट्रीम बंद होने के बाद ना एक ऐसी दोस्ती बन जानी चाहिए ना कि कल मिले ना कह रहे थे कि हंसे हम, वो नहीं सुनना है कि मैं तेरे से दोस्ती नहीं कर सकता या मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद है या तो मैं तेरी गेम आके खराब करूंगा अगर मैं जीत नहीं रहा हूँ, ये ग्रजेस मत लेके आओ मन में भाई। रौनक सुन थक भाई सुन यार, हम सबको बोल रहा हूँ प्लीज, बात ये है कि देखो एक बात बोल रहा हूँ डायरेक्ट, अंदर मैं घुमा फिरा के बोलने वाला इंसान नहीं भाई, देखो ऐसा है साथ रहेंगे यूनाइट रहेंगे, बिजनेस भी है पैसा भी है और सबसे बड़ी चीज प्यार भी है, मोहब्बत भी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबको उसके हिसाब से अगर अलग अलग रहेंगे ना भाई तुम कमाओगे ना प्यार मोहब्बत कुछ नहीं पैसा कुछ नहीं कमा पाओगे भाई, और कमा भी ना तो रात को ढंग से सो नहीं पाओगे, सही बात है, ठीक है मेरा ये मानना है भाई, दो पैसे कम कमा लेंगे लेकिन प्यार मोहब्बत ज्यादा कमेंगे ना भाई, कम से कम रात को कुछ हो गया ना वो साथ देने आएगा, पैसा साथ नहीं देता। अबे ये प्लेयर्स ही अगर तुम कहीं बाहर खेलने जाओगे, मान लो उधर होटल में कोई बीमार हो गया, अभी अगर थक सामने है पर किसी के मन में ये है कि नहीं यार मैं इसका दोस्त नहीं है मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, तो कैसे रहेगा, मन में रहेगा, पर मेरे को पता है कि कोई बीमार आएगा थक पहले भागेगा, भले कितना बड़ा भी दुश्मन हो, वही तो चीज है हम लोग के भाई थक नाम है भाई, नहीं है सब लोग एज अ ह्यूमन सब अच्छे हैं यहाँ पे, बस वो एक ही हम लोग किसी की एक्सपेक्टेशंस रीच करने के लिए, अब जैसे किसी की एक्सपेक्टेशन है तो ऑडियंस मेरे को हेट दे रही है, क्यों दे रही है इस रीजन की वजह से, पहले तो मेन पहले यही तो मेन रीजन है, सुनो 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 बात खत्म करो
हेलो हेलो, बात खत्म करो, बात खत्म करो, सब लोग अच्छे से अच्छे, सब लोग अभी गुड नोट पे, ये सब ऑफ स्ट्रीम कर लेते हैं अभी, बाकी की बातें ऑडियंस, आप लोग अगर पॉजिटिव रहोगे, किसी के मन में कोई ग्रज नहीं रहता, आपकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस रीच करने के लिए सब लोग का दिमाग खराब। आप लोग का पहला सुनो, हम लोग ने जो आप लोग भाई 21 दिन का लॉकडाउन में पूरा मसाला दिया है, ठीक है, तो भाई वो मसाला एंजॉय करो, लेकिन अब आप लोग को मसाला नहीं मिलेगा तो इसके लिए भी खराब लगा आप लोग। मैं एंड करता हूं, एक मैं एक चीज मैं अभी अच्छा चलो आओ एक काम करते हैं, ओएस रौनक भैया, रौनक के भैया बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, रौनक से भी ज्यादा अच्छा लगा। घातक भाई सब ऑफ स्ट्रीम बात करते हैं, लेट्स सॉर्ट दिस एवरीथिंग ऑफ, मेरे को खत्म करते हैं, और ये एंड थग एंड रौनक ये सब बसोड़ियों को खत्म करते हैं, लेट्स बी अ फैमिली वंस अगेन वंस एंड फॉर ऑल। घातक भाई बिग शाउट आउट टू चिल्ड्रन, अपना जो स्पैम करा दो, अरे कर दो यार, कर दो गोडी भाई ने जो चिल्ड्रन अपना को शाउट आउट दे दो, वो नहीं होता तो हम चिल्ड्रन अपना नहीं होता तो फिर आप अपने नहीं होते भाई। लास्ट लास्ट जाते जाते एक चीज बोलता हूँ भाई, मैं कभी मैं यूट्यूब पे मैं पहले बोलता हूँ, मेरे को यूट्यूब से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो बंदे हैं ना यहाँ पे ये सब हमारे ही है, और मैं बोलता हूँ ना ब्रांड है मॉर्टल स्ट्रीमिंग ब्रांड है, जोनाथन एग्रेसिव ब्रांड है, थग मार्केटिंग ब्रांड है, ऐसे स्काउट भाई उसका भी अलग से ही अलग वो अलग ही ब्रांड है, मतलब हर चीज में भाई स्काउट कॉन्डम ब्रांड है भाई, कॉन्डम ब्रांड है, तो वो उसका क्या सीन है, मैं तुमको वही बोलता हूँ कि भाई हमको पता है कि कौन किस चीज में अच्छा है, ठीक है, उसकी गलतियां होती है, सबकी गलतियां हो चुकी है, और ये एंड थग है ना, तुम लोग लिखने से कुछ नहीं होने वाला, तुम लिखोगे वो इग्नोर कर देगा, सिंपल लॉजिक है, और ई स्पोर्ट्स के बारे में वो बंदे को बहुत नॉलेज है, ठीक है, जब किसी को पता नहीं तो थैंक यू घातक भाई, आप बोले तो बस लगा, अरे मैं भी सेम, मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ जो घातक भाई का, मैं पूरा सहमत हूँ। हाँ तो मुझे जो बात पता नहीं, ये बंदा ये जो बैठा ना हमारा इधर आजा सीढ़, ये जो घातक के पीछे गोल्डन बाल वाला बैठा ना, मैं तो इसका फैन। हाँ ये तीन चार साल, कितने साल से स्पोर्ट्स में, पांच साल से स्पोर्ट्स में, ठीक है, ये बंदे को मतलब किसी को इंडिया में नहीं पता था, तब ये बाद में जब पबजी आया तब जो ये आया ना थगा ना भाई, उसने तेलगा मचा दिया वो मार्केट में, ठीक है, तो वो चीज तुम बोलो जितना बोलना है, एंड तक कुछ नहीं होने वाला भाई, सब लोग हम लोग रौनक के साथ है, ओएस के साथ है, थग के साथ, सब लोग हम लोग एक साथ ही है, तुम लोग मजे ले लो, तुमको मजे लेना है, हम अरे देखो हम भी मजे लेंगे तुम्हारे, ऑब्वियसली बात, अरे तुम्हें मजे, जनता को मजे लेने की बात है ना, अभी पांच मिनट में न्यू फ्रेंडशिप की मैं स्ट्रीम चालू करता हूँ, थग और रौनक खेलेंगे साथ में। हाँ तो वही चीज है भाई, ये देखो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है सारी चीजों से, तुम लोग भी मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ, और बहुत सारे मैच्योर ऑडियंस है जो ये सारी चीज खुद बोलते हैं हमको आके कि भाई घातक भाई तुम मत करो, थग भाई तुम मत करो, रौनक भाई आपने क्यों किया, तो वो ऑडियंस हार्टी स्पैम करेगा, और बाकी के लोग आके भाई जो करना है तो पता है सबको क्या करने वाली है, तो गाइस चलो बाय बाय, टेक केयर, और हाँ जिनको भी जो प्रॉब्लम है ना अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दो और अनफॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अरे चलो चलो, मेरे को भी एक शॉट आउट, अरे अरे चलो, बाय 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 बाय।